हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, विजय सारडा हियर। लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। मैंने दो चीजें आपको करने बोली थी और मुझे उम्मीद है आपने वो जरूर करी होगी। पहला मालिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पूरा देख लेना, अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है तो आपको आज के लेक्चर के अंदर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी, एक मंत्र याद रखना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, तो बहुत डिटेल के अंदर में जाएंगे। तीसरा एक वादा मैंने आप से किया है कि आगे की पूरे नंबर ऑफ डेज की जर्नी जो होगी, डीटी आपका बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा और इसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी, मेरा ये प्रॉमिस आप सभी के साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक हिस्ट्री से। ये हिस्ट्री आपको कहां लिखनी है, बुक में मैंने आपको पहले बताया, स्पेस दिया हुआ है, स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स, यहां आपको ये हिस्ट्री लिखनी है। आज का पूरा लेक्चर इन एंड अराउंड ये हिस्ट्री घूमेगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस लेक्चर को सुन करके, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत कहां से होती है, इट स्टार्ट्स ऑल फ्रॉम द ईयर 1857, जब फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई। यस, अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द ब्रिटिश सरकार। So against the British Emperor, we started with Swatantrata Sangram. British Emperor were required the funds for the purpose of, you know, carrying out the whole procedure, law and order. Hence, in the year 1866, Lord James Wilson, yes, यही वो आदमी है जिसको आप ढूंढ रहे थे कि किसने इनकम टैक्स एक्ट बनाया है, ये वो आदमी है सर, लॉर्ड जेम्स विल्सन ने फर्स्ट टाइम पहले 5 सालों के लिए, फॉर द इनिशियल 5 years, ब्रॉट द इनकम टैक्स एक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। यस, अर्लियर इनकम टैक्स वॉज कलेक्टेड एज अ लैंड रेवेन्यू, मार्क दिस वर्ड। सो 1857 स्वतंत्रता संग्राम, इससे लड़ने के लिए हमें पैसा चाहिए था, इन द ईयर 1860 पैसा कलेक्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। लाने वाले व्यक्ति कौन, सर जेम्स विल्सन। इनिशियली इट वॉज अ 5 year project, आफ्टर 5 years इट वॉज एंडेड अप।
देन ब्रिटिश सरकार टुक अ पर्टिकुलर वॉर अगेंस्ट द रशियंस. यस, रशिया के अगेंस्ट में हमारी क्या हो गई सर, रशिया के अगेंस्ट में एक और लड़ाई हुई. अब इस लड़ाई की आपूर्ति के लिए पैसे लगने वाले थे, तो अगेन अगेन हम लोगों ने क्या किया, वापस से इनकम टैक्स एक्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. यस, दिस टाइम इन द ईयर 1886, दिस टाइम इन द ईयर 1886 लॉर्ड डफलिन अगेन इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया. मतलब इनकम टैक्स आया, पहले 5 साल के लिए टिका, और उसके बाद वापस जब पैसों की जरूरत पड़ गई वार में, तो उस टाइम पे अगेन इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1886. अब इसके बाद क्या हुआ, 1919, ये तीसरा साल था. सो 1919 वॉज द ईयर इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज प्रपोज. सो 1919 वॉज द ईयर इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रपोज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज प्रपोज. ओइंग टू दिस थिंग्स, ओइंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट, देर वॉज अ डिविजन बिटवीन ड्यूटीज रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ड्यूटीज रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट. सम ऑफ द ड्यूटीज हैज बीन गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइल सम ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स हैज बीन असाइंड टू स्टेट गवर्नमेंट. इट वॉज देन इनकम टैक्स केम इन टू द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाया एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. जी हाँ, जब 1990 में पहली बार क्या बना, भारत सरकार का एक्ट बना, कुछ पावर सेंट्रल को दिए गए, कुछ पावर स्टेट को दिए गए, और इनकम टैक्स कर प्रणाली किसके हाथ में गई, सेंट्रल के हाथ में गई अंडर एंट्री नंबर 82. और ये बनेगा प्रभु एमसीक्यू. यस, ये बनेगा एमसीक्यू दैट इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. अभी यूनियन लिस्ट क्या है, कुछ देर बाद हम और इलाबोरेट करेंगे इसको, एज ऑफ नाउ पहले इतना समझ लीजिए. अच्छा जी सर, फिर क्या हुआ, 1922 फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स हैज बीन ब्रॉट इन टू द होल प्रोसीजर. 1922 के अंदर में पहली बार इनकम टैक्स को फुल फ्रेजिडली रिपील किया गया, एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, इनकम टैक्स इंडिया एक्ट 1922. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर ये हुआ कि 1924 के अंदर में बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ध्यान से सुनिए इस बात को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना इन द ईयर 1924, जिसने फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स की अथॉरिटीज बनाई, जैसे कमिश्नर्स, अलग अलग सिटीज में कमिश्नर बैठाए गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटअप किया गया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बनाए गए, सीबीडीटी हेड बनाए, सॉरी सीबीडीटी बोल रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेड्स बनाए गए, और इस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट का सेटअप किया गया. So, जब एक्ट 1922 में बना, इसके बाद 1924 के अंदर हम लोगों ने पूरा डिपार्टमेंट सेट किया, सीआईटीज, आईटीओज, इनकम टैक्स, यू नो, टैक्स कलेक्टर्स, ऑफिसर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर आया 1947, जब इंडिपेंडेंट इंडिया बना. नो डाउट तकलीफें बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन एक उम्मीद भारत में सबको थी, और वो उम्मीद ये थी कि अब जो भी करेंगे वो हम हमारे लिए करेंगे, राइट. और इसी के बाद जब कुछ साल बीते, वापस से इनकम टैक्स एक्ट को रीइंट्रोड्यूस किया गया, जो आज के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961. सर, आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आना ही चाहिए, जब 1922 का एक्ट हमारे पास था, व्हाट वाज द नीड कि हम 1961 का एक्ट लेकर के आए. मैं आपको बताता हूं सर, नीड क्या थी. जब 1922 का एक्ट बना, उस टाइम पे हमारे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट था. द होल इनकम टैक्स एक्ट वॉज हैविंग द वर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट. बट नाउ देर वॉज नो ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड देर वॉज अ नीड टू हैव एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट पावर्स एंड द अथॉरिटीज विच आर विद द न्यू एक्ट ओनली. इसीलिए 1961 में एक और एक्ट लाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और साथ ही साथ में रूल्स लाए गए, इनकम टैक्स रूल्स 1962. आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या एक्ट और रूल्स सेम है या अलग अलग है, ये सवाल आपके मन में आना ही चाहिए. सवाल पे आते हैं, पहले इस हिस्ट्री को लिख देते हैं. आप सबसे पहले यहां आइए, जो मैंने दिया है आपको स्पेस फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां आइए और यहां मेरे साथ आपको लिखना है. जैसा भी, जो भी स्पेस आपको लगे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. इफ यू हैव अ हाईलाइटर, यू विश यू कैन डू इट, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1857,
स्वतंत्र संग्राम बिगिंस। एटीन सिक्सटी लॉर्ड जेम्स विल्सन ब्रॉट इनकम टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। इनिशियली फॉर 5 ईयर्स। तो आप साथ साथ में मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। सो इन 1860 लॉर्ड जेम्स विल्सन ब्रॉट इट इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। कुछ चीजें आपके काम की। लैंड रेवेन्यू इनिशियली कितने साल के लिए लाया गया था? 5 ईयर्स के लिए। देन इन 1886 लॉर्ड डफलिन अगेन ब्रॉट इट फॉर क्रिएटिंग मोर फंड्स टूवर्ड्स द वॉर अगेंस्ट रशिया, टू वॉर अगेंस्ट द रशिया। इन द ईयर 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज ब्रॉट एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड। इन द ईयर 1924 सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटअप एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज वेर अपॉइंटेड। इनकम टैक्स अथॉरिटीज वेर अपॉइंटेड। इन द ईयर 1961 इनकम टैक्स एक्ट वॉज ब्रॉट एंड इन 1962 रूल्स वेर इंप्लीमेंटेड। इन 1961 एक्ट वॉज ब्रॉट एंड इन 1962 रूल्स वॉज ब्रॉट, रूल्स वॉज इंप्लीमेंटेड। अब आप ये पूछेंगे, एक सवाल आपके मन में आना ही चाहिए, सर एक्ट 1961 रूल्स 1962 ऐसा क्यों? ये एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। और याद रखिए सर, मेरे लेक्चर के अंदर में आपके मन के अंदर में सवाल आना ही चाहिए। यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके मन में आना ही चाहिए, तब जाके हम मजे से पढ़ पाएंगे। तो सर 1961 के बाद एक्ट आ गया और 1962 में रूल्स आ गया, ये एक सवाल। एक्ट 61 में, रूल्स 62 में, तो क्या एक्ट और रूल सेम चीज है या अलग अलग चीज है? इस डीप में भी हम लोग आज ही जाएंगे, बस वेट कीजिए, ये सवाल अपने अंदर रखिएगा। इस डीप में भी आज हम जाएंगे, राइट? तो सर 1961 इनकम टैक्स एक्ट वॉज ब्रॉट इन एंड इन 1962 रूल्स वॉज इंप्लीमेंटेड। इसके बाद क्या हुआ? क्या इसके बाद भी कुछ हुआ? यस, इसके बाद हुआ 1964, 1964 सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वॉज डिवाइडेड इनटू सीबीडीटी एंड सीबी, दैट टाइम ईसी नाउ आईसी।
आप यहाँ पे ईसी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट मैंने जानबूझ के सीबीआईसी लिखा ताकि आज के टाइम पे आप इसे समझ सके। 1964 जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना था इन द ईयर 1924, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाया गया सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो जीएसटी आने के बाद हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो आज जो आप बोर्ड जानते हैं, द बोर्ड विच यू नो नाउ इज सीबीडीटी एंड सीबीआईसी इज वॉट यू नो नाउ। सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री। यहां तक के मेरे साथ फटाफट आप रिकॉल कर लीजिए, मालिक क्या हुआ था सर? 1857 के अंदर में फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता संग्राम चालू हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था इस पूरे चीज को चलाने के लिए, तो फिर फर्स्ट टाइम क्या किया गया सर? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेवी किया पहले 5 साल के लिए 1860 के अंदर में, व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। फिर 1886 के अंदर में वापस इसे लॉर्ड डफलिन ने लेकर के आया। 1922 में पहली बार पूरा प्रत्यक्ष 1922 के अंदर में पहली बार एक्ट बना। पर फिर ऐसा क्या हुआ 1961 के अंदर में हमें एक्ट की जरूरत पड़ गई, क्योंकि 1922 के अंदर में जो एक्ट बना हुआ था वो क्या बना हुआ था मालिक? वो बना हुआ था पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्डिंग्स के साथ साथ, और इसीलिए हमें अपना एक एक्ट चाहिए था। तो एक्ट बना 1961 में, जिसके रूल्स आए 1962 में। फिर 1964 के अंदर में क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आया, जिसने आपके टैक्सेस को दो अलग-अलग पार्ट के अंदर में डिवाइड कर दिया। एक बना सीबीडीटी, एक बना सीबीआईसी। आज ही के लेक्चर में और डिटेल के अंदर में जाएंगे मालिक। चलिए यहां तक के सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द टैक्सेशन। सर एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत ज्यादा आ रहा है, आपसे पूछने की इच्छा है, पूछ लेता हूं। सर हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स? आप तो आर्टिकलशिप कर चुके हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना। 200, 300, 400, 500 क्या आता है आपके माइंड के अंदर में? जो भी आता होगा जरा सोचिएगा, और मैं आपको बताता हूं सर कितने सेक्शन है। देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट। Yes, there are 298 sections in Income Tax Act. However, there are more than 750. To be precise, 758 section. मैं आपको बताता हूं कैसे। लिखने के टाइम पे मालिक इन लोगों ने क्या क्या मालूम है क्या? 298 लिखा, लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा क्या हुआ है मैं बताता हूं। सर लिखते वक्त सेक्शन को लिखा सिर्फ 80, लेकिन सेक्शंस क्या दिए? 80C, 80D, 80DD, 80E, 80EEA, 80EEB। लिखते वक्त तो आपने सिर्फ 80 लिखा और पूरी की पूरी ABCD इसके पीछे लगा दी। बोलने के लिए 298 है, लेकिन देर आर 758 सेक्शंस टू बी मोर प्रेसाइज। हाँ, पर MCQ अगर आपको कभी भी आ जाए हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट, यू मस्ट से 298 sections. क्या ये लिखने की जरूरत है? आंसर इज नो। ये आपको लिख करके दिया हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं देर आर 298 sections इन इनकम टैक्स एक्ट। तो 298 sections है जो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में क्या करना है, पढ़ना है। चलते हैं तीसरी बात पे। सर sections तो है, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रीड द सेक्शन, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द सेक्शन, ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप के अंदर में सिर्फ ऑडिट किया है और आज भूल चुके हैं कि सेक्शन को कैसे रीड करना है। उनके लिए स्पेसिफिकली मुझे बताना बहुत जरूरी है। लेट्स से कैसे रीड करेंगे अब इसको कई बच्चे। चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, रीड करिए आप अपने मन में कि क्या हो सकता है, कैसे रीड करते हैं इसको। सेक्शन 2 बराबर बोला आपने, सब सेक्शन 1 बराबर बोला, फिर इसके आगे कुछ लोग 2, 4, क्या हुआ बेटा? आपने तो फाउंडेशन में भी पढ़ा था, इंटर में भी पढ़ा था, पर सेक्शन ही रीड करते नहीं आ रहे। हम लॉ रीड कर रहे हैं साहब, और आपको पता होना चाहिए कैसे रीड करेंगे। सर सर सबसे पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर आता है क्लॉज, और फिर आता है सब क्लॉज। सो जब भी हम कोई सेक्शन रीड करेंगे, दिस इज हाउ यू मस्ट रीड। साथ साथ में लिखते जाइए, सबसे पहले आएगा सेक्शन, फिर उसके आगे होगा सब सेक्शन, फिर उसके आगे होगा क्लॉज, फिर उसके आगे होगा सब क्लॉज। क्योंकि पूरी बुक आपको जो बनी गई है ये बेर एक्ट के ऊपर बनी है, तो आपको रीड करते आना चाहिए कि सेक्शंस कैसे रीड करते हैं।
अच्छा जी सर, क्या जब हम एक्ट ओपन करते हैं, जब हम इनकम टैक्स एक्ट ओपन करते हैं, आर देयर ओनली सेक्शंस व्हिच आर देयर इन इनकम टैक्स? आंसर इज नो. व्हेन एवर यू ओपन द एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, यू विल फाइंड थ्री थिंग्स. फर्स्ट यू विल फाइंड नंबर ऑफ सेक्शंस, देन यू विल फाइंड अनेक्स्चर, देन यू विल फाइंड द शेड्यूल्स. मेनी टाइम्स फर्स्ट यू गेट द शेड्यूल एंड देन यू गेट द अनेक्स्चर, राइट? सो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट, वेन एवर यू ओपन अ बेर एक्ट, आप नहीं देखे होंगे तो अपने ऑफिस में जाइएगा, अपने ऑफिस में जाकर के सबसे पहले एक्ट ओपन कीजिएगा. आपको जब एक्ट ओपन करोगे तो तीन चीजें मिलेगी. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है. कहानी सुनिए सर. हुआ ये कि जब मैं सीए बना, आई वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 21, राइट? तो जब मैं सीए बना पहली बार, यू नो, सबको एक शौक होता है और आपको भी ऑब्वियसली शौक होगा कि यार चलो बिग फोर में जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए. तो ऑनेस्टली मैं बिग फोर में गया, नाम नहीं बता सकता, मैं बिग फोर में गया. और सी एस सी एस 21 के अंदर में कंप्लीट हो जाना अपने आप के अंदर में एक बहुत बड़ा प्राउड था. तो जैसे ही मैं वहां पे गया, मेरे को लगा भाई अपन सीए हो चुके और अपन सातवें आसमान पे, राइट? यार अपन सीए हो चुके, अपने को जॉब तो मिल ही जाएगा और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल सबकी उतनी होती है, 50,000 रुपए पर मंथ. अपन भी उसी इसमें चले गए. जैसे ही वहां पे गया, राइट, द गाय हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू सीधा मेरे सामने एक्ट रख दिया. एक्ट रखने के बाद ही सेड मी टू ओपन सेक्शन 92, दैट वाज रैंडमली 52 नहीं हो पाया तो 92 सर्च करने बोला उन्होंने. क्या 92, क्या सर्चिंग? आज तक के जिंदगी के अंदर में कभी ये पता ही नहीं कि पहले क्या होता, देखते कैसे हैं, क्या है. मैं वहां पे ओपन करके इंडेक्स देखने बैठ गया. सर वहां चैप्टर इंडेक्स मिलता है, सेक्शन इंडेक्स नहीं मिलता. जब तक के अभी एनहांस कर दिया होगा, कई कई पब्लिशर्स ने एनहांस कर दिया है तो वो वहां पे अवेलेबल हो जाता है. उस टाइम पे जो बुक थी उसके अंदर में इंडेक्स भी नहीं. मैं बोल रहा हूँ यार इंडेक्स के बिना बुक है, मैं सेक्शन नंबर ढूंढू तो ढूंढू कैसे? तो मेरे को सेक्शन नंबर भी नहीं मिल रहा. देन ही सेड मी कि सर एक काम करो शेड्यूल 3 ढूंढ करके निकालो. किसको पता कौन सी बुक में शेड्यूल रहता, क्या रहता? उस दिन ना मेरे को एक चीज तो पक्के में समझ में आ गई, और वो क्या चीज थी कि साहब बहुत कुछ है जो सीखना है. यू शुड नॉट हैव टू हॉर्न्स हैव ग्रोन ओवर योर हेड कि यार मेरे को सब आता है. नहीं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग. तब मुझे पता चला और मैंने डिसाइड किया कि यार मैं बच्चों को जब भी बताऊंगा ये बताऊंगा कि यार एक्ट जो होता है, मैं चाहता तो आज के दिन आकर के आपको लेट्स से ये चालू कर देता, कंप्यूटेशन चालू कर देता, कोई हेड चालू कर देता, बट नहीं. बेसिक अगर आपके क्लियर है तो पढ़ने में मजा आएगा, जीरो से पढ़ने में मजा आएगा. तो ध्यान से सुनना. सबसे पहले होते हैं सेक्शंस. कितने सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में? 298 प्रिसाइजली, याद रखना 758. सो सबसे पहले पूरे सेक्शंस होंगे. सेक्शंस खत्म होने के बाद इसमें होगा सर शेड्यूल. नाउ अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज अ शेड्यूल? शेड्यूल गिव्स यू द फॉर्मेट. हर चीज का एक फॉर्मेट दिया होता है शेड्यूल में. जैसे शेड्यूल 3 जब आपको बोलते हैं तो उसके अंदर पीएनएल एंड बैलेंस शीट दिया होता है, अगर कंपनीज एक्ट की बात करूं तो वैसे ही कुछ फॉर्मेट्स एंड कुछ शेड्यूल्स आपको दिए हुए हैं. इसके बाद आपको दिए हुए होते हैं अनेक्स्चर्स. ये अनेक्स्चर्स क्या होते हैं? कई बार जैसे आपको बोला है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक्ट में जब आप आगे जाएंगे वहां पे देर आर मेनी टाइम्स दे राइट इट अप लाइक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन. सो अनेक्स्चर कंटेन अ लिस्ट ऑफ दैट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, राइट? कैसे डिसाइड होता है कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आया उसको कितनी फीस चार्ज करना है? अनेक्स्चर में मेनी टाइम्स यू ऑल्सो गेट टेबल ऑफ फीस. आप कभी सोच के देखे ना कैसे डिसाइड होता है. आपका सीए क्या सोच करके बोलता है कि मेरे को इस काम के लिए इतनी फीस चाहिए? टेबल ऑफ फीस इज द आंसर. टेबल ऑफ फीस के अंदर में गवर्नमेंट को कितना फीस जाना है वो लिखा होता है, प्लस उसमें आप अपने प्रोफेशनल चार्जेस ऐड कर देते हो, एंड दिस इज द टोटल फीस यू कलेक्टेड फ्रॉम योर क्लाइंट. इस तरीके से वो होता है. जैसे कि मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन के अंदर में, प्रैक्टिस भी बताऊंगा किस तरीके से होती है. मैं प्रैक्टिस इसलिए भी बता सकता हूँ बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स आई एम इनटू प्रैक्टिस. जब से मैं सीए बना हूँ और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस के अंदर में भी हूँ. वी हैव 3 ऑफिसेस, 1 इन पुणे, 1 इन हैदराबाद एंड अनादर इन जामनगर. तो हमारे 3 ऑफिसेस भी है. सो वी आर अ ग्रुप ऑफ 6 पार्टनर्स. तो यू नो
प्रैक्टिस की बहुत सारी चीजें पता है, ओवर द पीरियड आपको पता चल जाएगी। तो सर सबसे पहले हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री देखी, फिर हमने समझा सेक्शन को रीड कैसे करते हैं, फिर हमने समझा कि एक्ट के अंदर में सिर्फ सेक्शंस होते हैं, आंसर इज नो, व्हेनेवर यू गेट अ एक्ट यू हैव थ्री थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एक्ट। फर्दर आजकल कुछ पब्लिकेशंस ऐसे भी हैं कि आपको और भी चीजें इसके साथ साथ ऐड कर देते हैं, एक्ट विथ रूल्स यू नो विथ सेक्शन अनेक्सचर और कोई भी एक्ट का कंपाइलेशन, वो सब भी इसके अंदर में ऐड किया जाता है, बट जनरली एक्ट हैज गॉट थ्री थिंग्स। ओके सर, सर टेल मी इज एक्ट एंड रूल्स सेम? आंसर इज नो। इज एक्ट एंड रूल्स सेम? आंसर इज नो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स देन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स? सर अगर आपने देखा होगा एक्ट केम इन 1961 वेयर एज रूल केम इन 1962, ये क्वेश्चन हमारा अभी भी पेंडिंग चल ही रहा है, पर उसके पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। आप अपने ऑफिसेस के अंदर में देखना, एक्ट का एक अलग बुक होगा, रूल्स का एक अलग बुक रखा होगा, राइट? और ऐसे बड़े बड़े बुक्स रखे होंगे आपके, राइट? क्या डिफरेंस है एक्ट और रूल्स के अंदर में, मैं आपको बताता हूं। एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ, वाइल रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यस, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ वेराज रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर में, मैं वो आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट विल से यू यू नीड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, you need to file the return of income in prescribed form within prescribed time. These are the actual wordings which are given in section 139, that a person needs to file the income tax return in the prescribed form with the prescribed fees and in the particular form. अब ये जो word लिखा है ना prescribed time, ये time कहाँ है? ये rules में लिखा होगा। ये टाइम कहां लिखा होगा? रूल्स में। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब फॉर्म? विल बी गिवन इन रूल्स। विद इन द प्रिस्क्राइब मैनर इन विच यू हैव टू सबमिट इट, दैट मैनर यू हैव टू गिव इट अ मैनुअल, यू हैव टू गिव इट ऑनलाइन, यू हैव टू गिव इट विद आधार, यू नो आधार ओटीपी, ऑल दीज मैनर्स विल बी गिवन इन व्हाट? रूल्स। सो एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ वेयर एज रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। नाउ माई फ्रेंड यू विल बी प्रीटी क्लियर वेदर सिर्फ एक्ट पढ़ के काम हो जाएगा या हमें रूल्स भी साथ साथ में पढ़ने होंगे। Yes, हमें एक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें रूल्स भी साथ में पढ़ने होंगे, सो दैट यू गेट द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड गेट द इनसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। यस और नो? सो अ ब्रीफ हिस्ट्री, हाउ टू रीड सेक्शन, इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट एंड रूल्स, वी हैव डन इट। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट? What is the basis of Income Tax Act? मैं यहीं लिख रहा हूं, आपके पास जगह होगी अकॉर्डिंगली आप वहां लिख लीजिएगा। What is the basis of Income Tax Act? Income Tax Act का basis क्या है, किस basis के ऊपर हम लोग work करते हैं? Sir, इसको बताने के लिए मुझे आपको अगेन लेकर के जाना होगा हिस्ट्री के ऊपर, अगेन लेकर के जाना होगा हिस्ट्री पे, जब फर्स्ट टाइम 1961 के अंदर में एक्ट बनाया। व्हेन द फर्स्ट टाइम 1961 एक्ट वाज ब्रॉट, इट वाज ब्रॉट विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन? सो प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन मींस हायर द इनकम हायर द टैक्स। सो एज एंड व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच यू पे वुड आल्सो इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ taxation. Yes or no? Further, it must be noted that progressive basis of taxation आता है, right? यहाँ पे अलग-अलग tax rate भी किए जा सकते हैं for specific kind of income, right? So, what is the basis of income tax? The basis of income tax is progressive basis. Now, अब ये प्रोग्रेसिव बेसिस का फंडामेंटल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो फंडामेंटल था प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ये हम लोगों ने उठाया था अलग अलग कंट्री से,
which says that whatever the tax you collect must be shifted to the backward areas. The tax you will collect must be shifted to the backward areas in your country. और ये एक developing country के लिए एक बहुत simple सा logic है कि जितना भी tax collect होता है, जो revenue collect होता है, इसको आप ऐसे sectors के अंदर में use कीजिए जो sectors अभी भी backward है या जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. इसीलिए जब भी फाइनेंस एक्ट आता है आप देखेंगे कुछ सेक्टर्स दिए होते हैं जिनको इम्प्रूव करना है. गवर्नमेंट का टारगेट है इन सेक्टर्स के ऊपर वर्क करना और उन टारगेट्स के ऊपर पूरा का पूरा बजट बैठा हुआ होता है. मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने नोट्स के पेज नंबर 1.8 पे देखेंगे तो यहां पे देखिए मैंने एनुअल अमेंडमेंट्स लिखा है और अमेंडमेंट्स के साथ साथ आपको दिया है फाइनेंस एक्ट 2020 जो आपको एप्लीकेबल है मई 21 एंड नवंबर 21 के लिए. उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रोग्रेसिव बेसिस हमें हर बार ऑब्जेक्टिव्स देता है. जब भी बजट आता है आप बजट देखिएगा उसके अंदर में ये लिखा हुआ होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बजट, व्हाट एवर द टैक्स वी विल कलेक्ट इन दिस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, हाउ दिस एंड इन व्हाट एरिया इट विल बी यूटिलाइज्ड. मैंने यहां पे आपको लिख करके दिया है कि फाइनेंस एक्ट 20 के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे. रेट्स ऑफ टैक्स, मेजर टू प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटीज, रिमूविंग द डिफिकल्टीज, वाइडनिंग द टैक्स बेस, इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, विच सेज कि आपका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पैसा लगाएंगे, वाइड करेंगे टैक्स बेस को, मतलब और लोगों को हम लोग कवर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, रिमूव करेंगे टैक्स पेयर्स की डिफिकल्टी. कैसे किया इन लोगों ने ये ऑनलाइन आकर के सर, अब तक के इनकम टैक्स रिटर्न प्री फाइल जैसा कोई ऑप्शन नहीं था, 2019 से प्री फाइल ऑप्शन भी ला लिया गया, मतलब वहां पे आपके पैन बेसिस पे आपकी सारी डिटेल्स इंसर्ट ले ली जाएगी और उस बेसिस पे आपको एक प्री फाइल्ड इनकम टैक्स आईटीआर दे दिया जाएगा. रैशनल ऑफ द प्रोविजन, कुछ प्रोविजंस रैशनल नहीं प्रोवाइड कर रही थी उनका रैशनल प्रोवाइड किया गया. प्रिवेंटिंग टैक्स अब्यूज, कई मेजर्स ऐसे लिए गए जहां पे टैक्स की चोरी हो रही थी उन लोगों को क्या किया गया, उन चीजों को बचाया गया. टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए, किस किस को प्रोवाइड किए गए मैं आपको बताता हूं, अभी आपको पता चलेगा. इंडिविजुअल्स को टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऐसे कुछ मेजर्स भी यहां पे रखे गए हैं. एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मेथड्स, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन किया गया है, यानी कई नए सेक्टर्स के अंदर में या कई नए एरियाज के अंदर में पैसे को क्या किया गया है, इन्फ्लुएंस किया गया है. सो अगेन कमिंग टू दैट टॉपिक सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. मैं आपको ये भी बताऊंगा लेक्चर के दौरान कि क्या आपके रेयरली काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, अदरवाइज नॉट. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया इज प्रोग्रेसिव बेसिस, ये एमसीक्यू में आ सकता है. क्या होता है प्रोग्रेसिव बेसिस, प्रोग्रेसिव बेसिस इज हायर द इनकम हायर द टैक्स, इट्स अ वेरी सिंपल बेसिस, हायर द इनकम हायर द टैक्स इज द सिंपल प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन. इज दैट डन प्रभु, ओके, सो दिस वॉज प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन. ओके, एक सवाल जो यहां तक के हमारे मन में चल रहा है वो क्या है, एक्ट 1961 में और रूल्स 1962 में, ये कैसे बताएंगे. हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा लॉ कैसे आया, ये तो हमने समझ लिया, दूसरा पार्ट पे हमें जाना पड़ेगा लॉ वर्क कैसे करता है. लॉ आ तो गया, अब ये लॉ वर्क कैसे करेगा इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा, और ये लॉ कैसे वर्क करेगा इसके लिए आपको हमारे तीन एंगल समझने पड़ेंगे. यहां हम सब्सटेंशियल टाइम डालेंगे आज के लेक्चर का, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त हमको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना पड़ेगा, सो मेनी ऑफ द फंडामेंटल्स विल बी क्लियर्ड एंड यू विल बी रेफरिंग टू मेनी ऑफ द आर्टिकल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो मोर ऑफ आर्टिकल व्हाई हाउ एंड व्हेन विल बी क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. नाउ अंडरस्टैंड तीन चीज, एक तीन विंग को समझिए, एक जो लॉ बनाते हैं, दूसरा जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, तीसरा उस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं. ये तीन अलग अलग तरीका है और हमारा इंडियन जुडिशरी पूरा का पूरा इसी के ऊपर वर्क करता है. एक जो लॉ बनाते हैं, एक
जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, और तीसरा इंप्लीमेंट होने के बाद ये चेक करते हैं कि उस इंप्लीमेंटेशन को सही ना सही तरीके से दिया गया है कि नहीं, जिस इंटेंशन के साथ था उस इंटेंशन के साथ बनाया है या नहीं बनाया है। लेट मी आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ। आप पेन ड्राइव देख रहे हैं, गूगल ड्राइव देख रहे हैं, जो भी मोड में देख रहे हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, लॉ कौन बनाता है? इनकम टैक्स का लॉ कौन बनाता है? हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? हु मेक्स द लॉ इन इंडिया? क्या जज बनाता है, हाँ या ना? अपने मन से पूछिए, आप पढ़ भी रहे होंगे तो जोर से बोलिए, क्या जज लॉ बनाता है? आंसर इज नो, क्योंकि लॉ जज लॉ को क्या करता है, इंटरप्रीट करता है। ठीक है, तो वकील बनाता होगा? नहीं, वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, वो उसको यू नो प्रूव करने की कोशिश करता है दैट यस इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो लॉ बनाता कौन है? सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। लॉ इंडिया में बनाता है एक मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का नाम है MOLJ, विच इज स्टैंड्स एज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यस, वेन एवर एनी लॉ इन इंडिया हैज बीन मेड, दिस मिनिस्ट्री मेक्स द लॉ। दिस मिनिस्ट्री मेक श्योर दैट द लॉ विच हैज बीन मेड आर नॉट इन अगेंस्ट एनी अदर लॉ विच हैज ऑलरेडी बीन इंप्लीमेंटेड और अगेंस्ट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर द लॉ। नाउ हाउ लॉ इज प्रिपेयर? जनरली जनरली लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, आप लोग सीपीटी से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट देर इज अ बिल। What you called it as a bill, first it is called as a green paper. In legal language it is called as a green paper, जहां पे एक कमिटी बैठाई जाती है, एक कमिटी को बैठाया जाता है, एक नए लॉ की जरूरत है ये सोच के। 10 मिनट रुक जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कमिटी को कैसे पता चलता है कि ये लॉ बन क्या रहा है। 10 मिनट रुक जाइए, आपको पूरी हिस्ट्री समझेगी। तो सबसे पहले होता है ग्रीन पेपर, एक कमिटी बैठती है, कमिटी सबसे पहले क्या करती है, ग्रीन पेपर। ट्रेडिशनली ग्रीन पेपर यूज हो रहा है क्योंकि ये लीगल पेपर पे होता है, और पूरा का पूरा लॉ को क्या किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसे व्हाइट पेपर पे लाया जाता है, इसे अथॉरिटीज को दिखाया जाता है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को दिखाया जाता है, उनके करेक्शंस इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट करके एक व्हाइट पेपर बनता है जिसके अंदर में फाइनल बिल प्रिपेयर होता है। राइट, ये फाइनल बिल जो होता है ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। ऐसा क्यों? आपको पता चलेगा सेक्शंस के अंदर में लिखा है, व्हेनेवर द न्यू रूल्स आर बीइंग मेड इट हैज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा कौन कहता है, थोड़ी देर में बता दूंगा। सेक्शन 298 भी कहता है कि अगर कोई रूल्स बनता है तो ये रूल्स बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना होगा। तो दोनों लॉ दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने रखा जाता है ताकि उनके डिस्कशन लिए जाए, उनकी भी इंपॉर्टेंस रखी गई है। एक बार दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ये पास हो जाए, इसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए, एंड वंस प्रेसिडेंट असेंट इज रिसीव्ड इट बिकेम्स द लॉ इन इंडिया। सो दिस इज अ कॉमन प्रोसीजर, यू नो इट फ्रॉम वेयर, फाउंडेशन। सो लेट अस लर्न विद दिस, हु आर द लॉ मेकर? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ड्राफ्ट द फाइनेंस बिल। फर्स्ट देर इज अ ग्रीन पेपर डिस्कशन कंसल्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट प्रपोज अ न्यू लॉ, बिल इज डिबेटेड एंड अप्रूव्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड प्रेसिडेंट असेंट इज टेकन। वंस द अप्रूवल इज रिसीव्ड इट बिकेम एन एक्ट फ्रॉम द डेट इट इज नोटिफाइड। तो उस दिन से ये एक्ट बन जाएगा जिस दिन से क्या किया गया होगा, नोटिफाई किया होगा। क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है? बिल्कुल नहीं, पर आगे के पॉइंट समझने के लिए बहुत काम का है। एक सवाल उठता है, सुनिएगा। सपोज आप अपने घर में सो रहे हैं, आप अपने घर में सो रहे हैं, अचानक से, राइट, सो रहे हैं, अचानक से आपके घर का बेल बजता है, आप आए, अचानक गेट खोला, जैसे ही गेट खोला सामने वाला ऑफिसर, सर ये बाजू, ये है इनकम टैक्स की रेट, बाजू हटी है, आपके घर में एंटर कर दिया, डायरेक्ट आपके बेडरूम के अंदर में घुस गए, और बेडरूम के अंदर घुस के क्या देख रहे हैं? बहुत सारे पैसे पड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा बात, उनका नजर बाथरूम के अंदर में जाता है, बाथरूम के अंदर में भी उनको बहुत सारे कैश मिलता है, ज्वेलरीज आपने वहां पे छुपा के रखी है, बेड के नीचे कुछ कागजात मिलते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि सर ये सब कहां से आया? आप उनसे सबसे पहला सवाल एक ही चीज पूछेंगे, हु आर यू, और आपको पावर किसने दिया मेरे घर के अंदर में घुसने का? एक सवाल आपके मन में जो आएगा कि हु द डैम आर दे, हाउ दे गॉट द पावर
टू इम्पोज द टैक्स और कम इन माई हाउस, किस तरीके से ये पावर आया? ये पावर आपको आया कहां से? ये पावर है क्या? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा कोई पावर है? और अगर है तो ये कहां से आया है? ये लॉ का पावर बना कहां से है? जाना होगा लॉ कहां से बनते हैं। बनते हैं सब मदर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में अगर कोई भी लॉ बना है तो उसके पीछे की जड़ होगी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 265, द फर्स्ट आर्टिकल यू शुड लर्न इन डिटेल सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द होल पर्पज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्ट। बनाने वालों ने कैसे बनाया? सबसे पहले यूज किया आर्टिकल नंबर 265 को। आर्टिकल 265 क्या कहता है, वर्ड पढ़िएगा बट डिटेल में आपको दिया है पेज नंबर 2 के ऊपर, यहां पे दिया है आर्टिकल 265। एक एक वर्ड को बड़े डिटेल में रीड करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, यानी वर्ड ही निगेटिव फ्रेमिंग के साथ चालू होता है। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इतना बोल करके ये रुक जाता है। मैं थोड़ा डीप में जाता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं और बेसिक में जाता हूं। सर मैं जरा एवरेज बच्चा हूं तो मैं बार 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 बहुत डिटेल में जाऊंगा। नो टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ टैक्स की बात करते हैं? आंसर इज नो। हम कुछ और बातें भी करते हैं। हम सरचार्ज की बातें करते हैं, हम सेस की बातें करते हैं। यहां पे वर्ड क्या लिखा है, नो टैक्स बट दीज इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस। नो टैक्स शैल बी लेविड, पहले इस वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। सर लेवी करना मतलब क्या करना? सर सर लेवी करने का मतलब होता है इंपोज करना, इंपोज करना। कोई भी टैक्स आपके ऊपर इंपोज नहीं किया जा सकता। और लिखा है वहां पे वर्ड और कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब क्या होता है? कलेक्टेड का मतलब होता है कलेक्शन और रिकवरी। यहां इसके दो मीनिंग है, यहां पे इसके दो मीनिंग है। कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन और रिकवरी। या तो प्यार से आप भर दें, कलेक्ट कर दें, या तो आपसे रिकवर कर लिया जाए बाय मीन्स ऑफ द पावर गिवन अंडर द एक्ट। तो ना आप पे लगाया जा सकता है, ना आपसे कलेक्ट किया जा सकता है। छोटा सी बात बताता हूं आपको। सर मान लीजिए जिस तरीके से नोटबंदी हुई, राइट, नोटबंदी हुई, अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब केम इन टू फ्रंट एंड वन फाइन डे ही सेज, भाई और बहनों आज से मैं एक नया टैक्स लगाने जा रहा हूं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? पहला सवाल, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? रीड कीजिए आर्टिकल 265, आपको समझ में आएगा। नोटबंदी तो ठीक है पर नया एक्ट, नया टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि वर्ड कैसा लाया गया है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और एक बात सर, वहां पे क्या होना चाहिए? वहां पे होनी चाहिए अथॉरिटी। क्या होना चाहिए साहब? अथॉरिटी। नाउ हु इज द अथॉरिटी? इसका जवाब मिलता है आपको आर्टिकल 245 में। जी हाँ, हु इज द अथॉरिटी? अथॉरिटी का आंसर आपको मिलता है आर्टिकल 245 में कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए। साथ साथ में क्या होना चाहिए सर? एक लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक लॉ होना चाहिए। दैट मींस देर मस्ट बी अ लॉ, देर मस्ट बी एन एक्ट। यानी जब तक के एक्ट ना बन जाए तब तक के आप क्या नहीं कर सकते, ना कोई टैक्स लगा सकते हैं ना कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसको सीधा ना पढ़ के उल्टा पढ़िए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक्ट, मतलब अगर कोई भी टैक्स सरचार्ज सेस आपको कलेक्ट करना है या इंपोज करना है, लाना है या उनसे कलेक्ट करना है, सबसे पहली चीज आपके पास चाहिए एक्ट। क्या चाहिए मालिक? एक्ट चाहिए। एक्ट के बाद दूसरी चीज की जरूरत है अथॉरिटी, एक पावर, जो एक अथॉरिटी जो इसे कलेक्ट करे, एक अथॉरिटी जो इसके बिहाफ पे वर्क करे, वो इंपोज करेगी, कलेक्ट करेगी। क्या? टैक्स। सर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले थे लॉ मेकर। लॉ मेकर हु विल मेक द लॉ, हु विल मेक द लॉ? देयर विल बी एन अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कौन?
आर्टिकल 265 से निकल के हमें तुरंत जाना होगा आर्टिकल 245 के अंदर में। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 265 के बाद हमें तुरंत जाना होगा आर्टिकल नंबर 245, जहां पे पूरी की पूरी अथॉरिटी एक्सप्लेन्ड है। नाउ हु इज द अथॉरिटी? पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी। यस, पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी। और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी लॉ जब बनता है ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से गुजरता है, बिकॉज पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी। और ये ऐसे लिए है बिकॉज आर्टिकल नंबर 245 से सो। वर्ड पढ़िएगा मेरे साथ, वर्ड क्या लिखा है पहले वर्ड पढ़िएगा मेरे साथ। पार्लियामेंट मे मेक लॉ, यहां पे मे का मे को आपको रीड करना है शाल के जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट में, हालांकि मैं 5 मिनट में ही इसका एक्सेप्शन दे दूंगा। पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। ध्यान से सुनिएगा, लॉ बनाया जा सकता है होल ऑफ इंडिया के लिए भी या कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी। सर कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं, सेक्शन 139AA, आधार की एप्लीकेबिलिटी 4 स्टेट के अंदर में नहीं है। 4 स्टेट के अंदर में आधार की एप्लीकेबिलिटी नहीं रखी गई, सॉरी एज ऑफ नाउ 3 स्टेट के अंदर में आधार की एप्लीकेबिलिटी नहीं रखी गई है। सो इट कैन बी मेड फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। सो पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक फॉर द लॉ ऑफ एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल डीम टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। तो अगर उसको कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में मिल जाता है तो उसके कारण ये लॉ क्या नहीं होगा, इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहां तक के हमें समझ में आया कि जब भी कोई लॉ बनेगा इसे पार्लियामेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। जब भी कोई एक्ट बनेगा अथॉरिटी कौन होगी, पार्लियामेंट अगर इसे अप्रूव करता है तो जाकर के आगे वो एक्ट बनेगा, नहीं तो वो लॉ नहीं बन सकता। क्लियर? यानी लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट का होना जरूरी है। अग्रीड? हां या हां, जल्दी से बोलो हां या हां। अगर लॉ बनाना है आर्टिकल 265 रीड विथ आर्टिकल 245 क्लियर कर देता है कि आपको क्या होना जरूरी है, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना जरूरी है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं, आई आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज पार्लियामेंट वर्किंग होल द ईयर राउंड द क्लॉक? आंसर इज नो, आंसर इज नो। द पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग होल ईयर। द पार्लियामेंट हैज देयर पर्टिकुलर सेक्शन एंड इफ दैट पर्टिकुलर सेशन द पार्लियामेंट इज नॉट वर्किंग एंड वी रिक्वायर एन अर्जेंट लॉ, देन वॉट? वेदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड एन अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो तो लॉ कैसे बने? लॉ बनाना अगर जरूरी हो गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या करेंगे, तुरंत सेशन बुलाएंगे पार्लियामेंट का? क्या लगता है आपको, दिल से पूछिए। आपको भी पता होगा, आप सीए फाइनल तक के आ चुके हैं, सीएस फाइनल या सीए में जहां पे भी आ चुके हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, आप मुझे बताइए कि सर पार्लियामेंट क्या साल भर सेशंस के अंदर में होता है? आंसर इज नो, पार्लियामेंट साल भर सेशंस में नहीं होता। और अगर पार्लियामेंट सेशंस में नहीं है और उस टाइम लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आर्टिकल 265 तो बोलता है हु इज द अथॉरिटी, रीड विद 245, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो लॉ कैसे बनेगा, और क्या ऐसे केस में लॉ बन सकता है? आंसर इज यस, यस, लॉ कैन बी मेड इवन इफ विदाउट, इवन विदाउट द पार्लियामेंट। जैसे कि मैं अभी कह रहा था, हियर मे शैल बी रीडेड अ शैल, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। और आइए पहला एक्सेप्शन रीड करते हैं। हम बात कर रहे हैं अब आर्टिकल 123, जिसे यूज किया गया निर्मला सीतारमन जी द्वारा। पूरे लेक्चर के दौरान 3 लोगों को मैं बहुत बार याद करूंगा, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, एक अरुण जेटली साहब, और ऑब्वियसली तीसरी निर्मला सीतारमन जी। इन्हें बार बार मैं याद करूंगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड बिकॉज ऑफ देयर डिसीजंस एज वेल। 2019 इसे यूज किया गया, हालांकि 2019 में ही नहीं, इसके पहले भी यूज किया जा चुका है, बट आपको 2019 बड़ा रीसेंट रहेगा इसलिए बताता हूं हो क्या रहा था। हिस्ट्री सुनिए किस तरीके से इस आर्टिकल को यूज किया गया, और आपको पता चल जाएगा कि जब आप लॉ बनाते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं हो सकता है, प्रेसिडेंट के थ्रू भी लॉ बन सकता है। इसका हिस्ट्री समझना आपको जरूरी भी है, क्योंकि आपके जो कई प्रोविजंस है वो फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, इट वॉज द ईयर 2019 विच वॉज अ इलेक्शन ईयर,
इट वॉज एक्सपेक्टेड नरेंद्र मोदी सरकार विल रिपीट द टर्म ऑब्वियसली येस और नो दे विल रिपीट द टर्म इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई एवरी वन नाउ द पॉइंट इज एज एंड वेन दे रिसीव द मोदी 2.0 गवर्नमेंट देर वॉज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी एंड एवरीबडी एवरीबडी वॉज लाइक इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है शेयर मार्केट वॉज कमिंग डाउन शेयर मार्केट वॉज ऑलरेडी कमिंग डाउन देर वॉज अ लैक इन ऑटोमोबाइल सेक्टर अराउंड 30% लैक इन ऑटोमोबाइल सेक्टर और मैं इसलिए भी जानता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो डू शेयर ट्रेडिंग और ये मैं आपको बीच बीच में लेक्चर में बोलते रहूंगा कि कैसे करना है। एक हद बार हम इसके ऊपर सेशन भी लेंगे कि किस तरीके से यू नो एक संडे सेशन इसके ऊपर हम लोग लेंगे कि किस तरीके से इसे किया जाता है। नाउ 2019 मोदी सरकार आई निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर बनती है और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। इस इकोनॉमी में स्लो डाउन आने की वजह से ओवरऑल सेक्टर अफेक्ट होते हैं। जब ओवरऑल सेक्टर अफेक्ट होते हैं तो इट वॉज 20th of September 2019 20th September 2019 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्मला सीतारमन जी इन्फॉर्म करती है दैट वी विल ब्रिंग इन लॉ अ टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। इट वॉज टू सरप्राइज ऑफ मेनी दैट वॉट इज दिस पावर हम इसके तह तक गए ये आया कहां से और क्यों हुआ। इसकी जड़ थी आर्टिकल नंबर 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड देर रिक्वायर्स अर्जेंट इमरजेंसी डिसीजन और देर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर एक्ट देन आर्टिकल 123 गिव्स पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस ला करके नया लॉ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कब? जब पार्लियामेंट सेशंस में ना हो। ये लॉ कब तक वर्क करेगा? ये लॉ तब तक वर्क करेगा जब तक के पार्लियामेंट फिर से सेशंस में नहीं आ जाता। एक बार पार्लियामेंट फिर से सेशंस में आ जाए वापस से क्या करना होगा? री अप्रूवल लेनी होगी री अप्रूवल लेनी होगी और उसके बाद ही ये वैलिड होगा अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के इसका मैक्सिमम टाइम जो हो सकता है वो 6 months हो सकता है और पार्लियामेंट कम्स इन टू सेशन विच एवर इज अर्लियर। अच्छा जी सर क्या ये जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया क्या ये एक्ट का पार्ट बनता है? आंसर इज यस। टिल दिस टाइम इट इज प्रोमोलगेटेड और द पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज देयर इट इज एज गुड एज एक्ट। इसको पूरे पावर मिले हैं एज गुड एज एक्ट के और 2019 में निर्मला सीतारमन जी ने सेम यही काम किया और इसी के लिए आप देख सकते हैं 2019 में दो फाइनेंस एक्ट थे फाइनेंस एक्ट 1 और फाइनेंस एक्ट 2 इसका नाम दिया गया। कहां से शुरुआत की थी मैं याद दिला देता हूं। लॉ कैसे बना इनकम टैक्स का वो तो हमने यहां पढ़ लिया ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द इनकम टैक्स। लॉ वर्क कैसे करता है इसमें मैंने आपको तीन विंग बनाए। वन हु इज लॉ मेकर। लॉ मेकर में जब हम गए हमने सबसे पहले देखा जनरली द लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट आर्टिकल 265 रीड विथ आर्टिकल 245। फिर हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है क्या तो भी लॉ बन सकता है? आंसर इज यस आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे कौन प्रमोलगेट करता है साहब? प्रेसिडेंट प्रमोलगेट करता है। आइए सर आर्टिकल 123 डीप में पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा मेरी गारंटी साहब। पावर ऑफ प्रेसिडेंट साहब लाने वाले कौन? प्रेसिडेंट जी। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस क्या ये ऑर्डिनेंस को यूज किया गया था? यस 2019 के अंदर में हमने इसे यूज किया। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। वर्ड देखिए सब क्या लिखा है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी इस पावर का यूज सिर्फ 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 और सिर्फ तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। पार्लियामेंट सेशन में है तो लॉ बनेगा टैक्स कोई भी नया इंपोज होगा या कलेक्ट किया जाएगा ओनली थ्रू द पावर ऑफ पार्लियामेंट। वापस से देखते हैं इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशंस प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन की जरूरत पड़ रही है। ही मे प्रोमोलगेट सच ऑर्डिनेंस एज सर्कमस्टेंसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। एन ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शेल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट। तो बिल्कुल इसको वही फोर्स और वही इफेक्ट मिलेगा जैसे एक एक्ट को मिलता है क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हाइएस्ट द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया
उन्हें ये कवर किया जाता है। इन एवरी सच ऑर्डिनेंस इट शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वापस आने के बाद 6 वीक के अंदर में ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊं 2019 में क्या हुआ उसके बारे में भी सुनिए, आपको मजा आएगा। एंड सर लेक्चर के बीच में पॉलिटिक्स बार बार आएगा, मैं आपको पहले भी बता दूं, बिकॉज पॉलिटिक्स हैज अ लॉट टू डू विथ इनकम टैक्स। यस बिलीव मी पॉलिटिक्स हैज अ लॉट टू डू, और आपको इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल किस्से सुनने को मिलने वाले हैं। 2019 नरेंद्र मोदी सरकार जो आई वो पूर्ण बहुमत के साथ आई, यस और नो, फुल सपोर्ट। इफेक्ट क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात थी, प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रमोलगेट किया, सेशंस में आया, 1 मिनट में मंजूरी मिल गई, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के बैठे थे। सो ऑब्वियसली बात है दैट दिस ऑर्डिनेंस हैज टू पास, पास हो गया। इफ बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ हाउस अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ रिजोल्यूशन एंड मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, एक्सप्लेनेशन वेयर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन अ डिफरेंट डेट। द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिकॉन्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। तो सर ये जो 6 वीक है ये रीअसेंबल या प्रेसिडेंट ने कोई सेपरेट डेट दी होगी वहां से आपको क्या करना होगा, काउंट करना होगा। हालांकि आपके काम का नहीं, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए याद रखिएगा। सबसेक्शन 3, If and so far as ordinance under this article makes any provision which parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void. ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई ordinance बनाया जो parliament constitutionally नहीं बना पाएगी तो ऐसा भी कुछ क्या किया जा सकता है, void declare किया जा सकता है। But it has their own powers, own procedure और वो सारी चीजें हैं। बस यहां पे बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास भी ऐसा कोई लॉ बनाने की क्या होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वापस आते हैं, यहां तक हमें क्या समझा, लॉ मेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर के क्या करती है, सबसे पहले तो एक एक्ट बनाती है। सुनिए आप, या तो पार्लियामेंट सेशन में हो तो पार्लियामेंट लॉ बनाए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट बनाए। 265 रीड विथ 245 123, ये हम लोगों ने देख लिया। पर क्या यहां पे खत्म हो गया, नहीं, हमें और डीप जाना होगा। वर्ड देखिए, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब सबसे पहले तो एक लॉ चाहिए, एक एक्ट चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली। टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, ना इंपोज किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है। नो टैक्स वर्ड यूज किया है साहब, आहा, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा आप, नो टैक्स। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम टैक्स के अंदर में सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं, और क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर है? आंसर इज यस, टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। याद होगा तो किसी के घर में आप घुस गए, वो आदमी आपसे सवाल पूछेगा क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर है। हाँ, पार्लियामेंट ने ये पावर ले लिया और पार्लियामेंट जिसे भी फिर ऑथराइज करेगा उसे क्या किया जा सकता है, ये पावर कलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा ही एक पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पहले सरकार को दे दिया और हमें मिला एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। याद होगा आपको, तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर क्या किए गए थे, डिवाइड किए गए थे। कब डिवाइड किए गए थे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना इन द ईयर 1919, इधर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब इस पावर को जैसे डिवाइड किया गया, यूनियन के हाथ में पावर आया अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट। यस, एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट के अंदर में ये पावर बना। आइए देखते हैं एंट्री नंबर 82 के अंदर में क्या लिखा है, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप पहली बार एंट्री नंबर 82 पढ़ रहे होंगे, भले ही आपने इनकम टैक्स अपने पिछले लेवल में पढ़ लिया होगा। आइए पढ़ते हैं एंट्री नंबर 82, ये बड़ा होके एमसीक्यू बनेगा। तो सर इसको मैं कर रहा हूं स्टार मार्क, ये बड़ा होके बनेगा क्या, एमसीक्यू। एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, पावर देता है साहब
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है. क्या कलेक्ट कर सकती है? इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है अदर देन और टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर छोड़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है. ओ हो, इसके इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं. सो दस दिस मीन सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैज पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम? आंसर इज नो. यस, आंसर इज नो. दे के नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एंड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट. स्टेट, यस. एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट. जो पावर्स स्टेट को मिले उसमें एंट्री नंबर 46 के ऊपर लिखा था द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स. मतलब अगर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इंपोज करना भी है तो इंपोज करने का जो राइट है ये स्टेट्स के पास दिया हुआ है. एज ऑफ नाउ नो ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया इंपोज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. नो ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया impose a tax on agricultural income. This is the fact. But the power rests with state. तो ये आपको MCQ बन सकता है. Agriculture income पे tax collect करने का power किसका? State का. और other income पे tax collect करने का power किसका boss? Central government का. तो यहां से हमें एक word मिला था. कहां हैं हम? बता देता हूं. Article 265 से हमें एक word मिला था, tax. हम ढूंढने निकले कि सर ये जो tax है इसका पावर कहां से आया. एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. अब जिस बंदे के घर पे आप गए थे क्या आप उसे बोल सकते हैं डू यू हैव अ पावर? यस, यू विल से आई हैव अ पावर अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट टू कलेक्ट द टैक्स. दिस पावर इज डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट. रीड विथ आर्टिकल 265 एंड 245. कुछ आया मजा? चलते हैं आगे, इतने में खत्म नहीं होता. चलते हैं आगे. सर क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है? सोच के देखिए, क्या टैक्स के अंदर सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है या कुछ और भी कलेक्ट होता है? अलोंग विद टैक्स देर आर समथिंग यू शुड कलेक्ट. आप अपने ऑफिसर्स में जब क्लाइंट के लिए आप लोग कंप्यूटेशन करते हैं तो क्या वहां पे सिर्फ टैक्स दिखता है? नहीं. अच्छा, कई बार बच्चे मुझसे एक और सवाल पूछते हैं, सर तो क्या इन एग्रीकल्चर पे जो टैक्स हम पे करते हैं उसके लिए अलग भरा जाता है फॉर्म और इनकम टैक्स अलग भरा जाता है? ऐसा तो कुछ हमने ऑफिसर्स में नहीं देखा. हाँ, आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा. मैंने आपसे कहा इंपोज करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है. हालांकि टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है ये सेंटर द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है और सेंटर द्वारा कलेक्ट करने के बाद इसे बांटा जाता है. सर कौन बांटता है? प्रेसिडेंट साहब बांटते हैं, राइट? प्रेसिडेंट साहब हर स्टेट के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सर ऐसी चीजें कहां लिखी हुई है? ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा. मैंने आपसे कहा ना, आप हर रोज कुछ नया पढ़ के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. आर्टिकल 270 उठाइएगा मेरे साथ, पेज नंबर 2 के ऊपर आर्टिकल 270 दिया है. आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करने के बाद इसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया जाएगा. कौन डिवाइड करेगा? दो लोग डिवाइड करेंगे साहब. सबसे पहले प्रेसिडेंट डिवाइड करेंगे, साथ साथ में एक कमिटी भी है जो रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरीके से डिविजन होना चाहिए टोटल टैक्स का. और जितना भी टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, जितनी भी ड्यूटीज आप कलेक्ट करते हैं, वो क्या की जाती है? डिवाइड की जाती है. चेक इट आउट, आर्टिकल 270, ऑल द टैक्सेस. वर्ड लिखे हैं उनने ऑल द टैक्सेस. तो हम यहां पे सिर्फ बात किसकी नहीं कर रहे? डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं कर रहे हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है ऑल टैक्सेस. ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड शेल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. लेवी कौन करेगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. तो जो ऑफिस में किया आपने बिल्कुल सही है. आप कंप्यूट करते हैं टोटल और एक साथ पे कर देते हैं टैक्स पूरा का पूरा. और बाद में गवर्नमेंट इसे प्रेसिडेंट अलोंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, अलोंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन इसे क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है. और ये अपने लेवल का काम नहीं है, ना अपनी से देखते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है.
यहां तक का पूरा पार्ट मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले किया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, सेक्शन कैसे रीड करते हैं, एक्ट में क्या क्या होता है, एक्ट कैसे आया ये तो देख लिया, एक्ट वर्क कैसे करता है हम इस पार्ट पे गए। इसके तीन विंग थे, एक लॉ बनाने वाले, दूसरा लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले, तीसरा लॉ को इंटरप्रिट करने वाले। लॉ कैसे बनता है, दो बातें, पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में है आर्टिकल 265, पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, ही इज द अथॉरिटी रीड विद आर्टिकल 245। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्या तब भी लॉ बन सकता है? यस, प्रेसिडेंट प्रमोलगेट कर सकता है क्या? ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल एक्ट के जैसे वर्क करेगा। फिर हमने बात करी कि टैक्स जो 265 में लिखा था, टैक्स में क्या सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है? आंसर इज नो, टैक्स के साथ साथ आप सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं, तो क्या सब अलग अलग करते हैं? पावर का इंपोजिशन देखा हमने, एंट्री नंबर 82 सिर्फ हमें इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर देती है सेंटर को, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो आपके मन में एक सवाल उठा, तो क्या हम अलग अलग भरते हैं? आंसर इज नो, आप भरते सीधा किसको है? सेंटर को, और सेंटर बाद में इसे क्या करता है? डिवाइड। इस चीज को हमने समझा आर्टिकल नंबर 270 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर मुझे एक बात बताओ, हम पढ़ क्या रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स या कॉन्स्टिट्यूशन? अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये आपका हक है। देख मेरे भाई, अंडरस्टैंड, सीए फाइनल तेरा लास्ट लेवल है समझने के लिए, और डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी चीज है जो तू कोई भी फील्ड के अंदर में हो, डायरेक्ट टैक्स तेरे को आएगा, मतलब आएगा ही। तू ऑडिट में भी है तो तेरे को क्या आएगा? टैक्स का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि ऑडिट में भी है तो तू इनकम तो जरूर कमाएगा, और किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए एटलीस्ट तेरे को टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है, बराबर है। और इस केस में तुझे पता होना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल इस अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं कि आप एवरेज बच्चे हो, तुम रैंकर भी हो तो मैं इस अजम्पशन से पढ़ा रहा हूं तुम एवरेज हो। इनकम टैक्स तुमको जीरो आता है, डायरेक्ट टैक्स तुमको जीरो आता है, और अब तक के तुमको ये तो समझ में आ चुका होगा कि हम किस डेप्थ में जाकर के कवर करना है। अब तक हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े, 123, 265, 245, 270, चार आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिए अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एंगल बता रहे हैं कि लॉ बनता कैसे और लॉ वर्क कैसे कर रहा है। आइए सब आगे बढ़ते हैं। सवाल एक और, क्या टैक्स में आप सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं? आंसर इज नो, ध्यान से सुनिए, तीन चीजें कलेक्ट होती है, सबसे पहले होता है टैक्स, दूसरा कुछ केसेस में आपने देखा होगा सरचार्ज, फिर देखा होगा आपने HEC, जिसे हम कहते हैं, अलग शब्दों में हम इसे कहते हैं सेस, ठीक है। सबसे पहले टैक्स जो होता है ये कवर होता है एंट्री नंबर 82 या 46 डिपेंडिंग अपॉन द केस, राइट। एंट्री नंबर 82 से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो टैक्स कलेक्ट होता है ये जाता है CFI के अंदर में, ध्यान से सुनना, व्हाटसोएवर द टैक्स हैज बीन कलेक्टेड ईदर थ्रू एंट्री नंबर 82 और अंडर एंट्री नंबर 46 डिपेंडिंग अपॉन द केस विल बी कलेक्टेड इन CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज CFI? CFI स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ What they do out of this fund? They could do it in any way they think progressive taxation would have a appropriate meaning. ये उस हर जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे उनको लगता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अप्रोप्रिएट मीनिंग बनेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग क्या था? कि टैक्स कलेक्ट करेंगे और पिछड़े सेक्टर्स के अंदर में हम इस पैसों को क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बहुत सारी चीजें होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट्स बनते हैं, हमारे आर्मी पर्सनल के पेमेंट्स जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पेमेंट्स जाते हैं, यस दे आर द पार्ट। इसके साथ साथ इसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए यूज किया जा सकता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन के लिए इसे यूज किया जाता है, आर्म्स एंड एमिनिटीज परचेस करने के लिए इसे यूज किया जाता है, राइट। फिर अलग अलग जो स्कीम्स चलती है लाइक मनरेगा स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स, इनके लिए ऐसे यूज किया जाता है। तो एक बात आप समझिए, जब टैक्स कलेक्ट होता है तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। जब टैक्स कलेक्ट होता है तो ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इट कुड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एज द गवर्नमेंट मे थिंक फिट। दे डोंट गिव यू द डिटेल्स ऑफ हाउ इट कुड बी यूज्ड, आई एम नॉट अवेयर वेदर RTI कुड बी यूज्ड और नॉट फॉर दिस पर्पस, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो तो, बट जनरली दिस आर द पार्ट ऑफ CFI। Now, what is surcharge? Many of your clients might be having
a tax along with a surcharge. Now, what is a surcharge? Surcharge is an additional levy. Surcharge is an additional levy. Sir, additional levy? Yes, it is an additional levy. It is simply a tax on tax. What was the logic rationale behind bringing in a surcharge concept? It was Robin Hood concept. Ameeron se lenge aur gareebon ko denge. अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे, ये सरचार्ज नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सर, क्या टैक्स पे फिर से टैक्स लगाने का पावर, ऐसा कोई पावर भारत सरकार के पास भी है? वेदर इंडियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंपोज अ टैक्स ऑन टैक्स? यस दे हैव। वेयर? आर्टिकल नंबर 271 दादा। सर ऐसा भी कोई आर्टिकल है? यस, एंड आई चैलेंज यू, आपके लिए खुद के लिए ये सरप्राइज होगा कि सरचार्ज लगता है तो इसके पीछे का क्या पावर होता है। पावर है साहब आर्टिकल नंबर 271, आपने आज तक नहीं पढ़ा, मंत्र याद होगा ना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। आर्टिकल 271 गिव यू द पावर टू इम्पोज सरचार्ज, अ टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ CFI. Surcharge also became the part of CFI. That is, it is a part of Consolidated Fund of India. And this surcharge is only kept by Union. Twist, ध्यान से सुनिएगा. It is only kept by Union and not divided as per Article 270. जो tax आप collect करते हैं, duties आप collect करते हैं, वो divide होता है. Surcharge divide नहीं होता. Sir, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ तो गलत कह रहे हैं. रुक जाइए, बताता हूँ, proof है साहब, रुक जाइए. Surcharge आप collect कर सकते हैं. Surcharge किस पे collect होता है? It is a tax on tax percentage. लेकिन Article 271 इसे impose करता है, Consolidated Fund of India का part बनता है, लेकिन इसे सिर्फ यूनियन रखता है। अब मैं आपको पॉलिटिक्स को फिर से बीच में लाता हूं। इन 2019 टिल 2019 द जनरल सरचार्ज रेट वाज ईदर 10% एंड इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज इट वाज 15%। बियॉन्ड 50 लाख इट वाज 10% एंड बियॉन्ड 1 करोड़ इट वाज 15%। देन मोदी गवर्नमेंट हैज देयर ओन एंबिशंस to fulfill regarding some of the few people's, few sectors. What they did? They didn't increase the tax. They didn't increase the tax. They increased the surcharge. Yes, there is a politics behind it. उन्होंने tax increase नहीं किया. आप देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 आपका basic exemption limit 250,000 ही चल रहा है. उन्होंने tax नहीं बढ़ाया. उन्होंने बढ़ाया surcharge. They increase the surcharge and new concept of enhanced surcharge has been brought in wherein the surcharge rate are now in fact 25% and way range to 37% as well. पढ़ेंगे जब हम tax calculation देखते रहेंगे कल परसों में, तब आपको हम लोग देखेंगे कि सर surcharge increase किया गया, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देख इन्होंने सर यू नो बेसिक स्लैब लिमिट को चेंज नहीं किया, what they have changed is surcharge. आइए रीड करते हैं। आज आपने आर्टिकल्स के पास जाना, छोटे जो आर्टिकल्स होंगे या अपने दोस्तों के साथ आपकी डिबेट होती होगी तो उनसे पूछना, बता जो सरचार्ज लगाया जाता है ये कौन से आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, पावर कहां से आता है। अगर उसने पावर भी बता दिया तो उनसे जरूर पूछना, मजे लेना साहब, बिल्कुल नॉलेज है तो मजे लेने चाहिए। दूसरा सवाल उनसे पूछिएगा, सर इसे कौन, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड करता है? वो बोलेंगे नहीं, कोई छोटे भाई बहन भी होंगे जो क्या कर रहे होंगे, सीए कर रहे होंगे, सीएससीएमए कर रहे होंगे, उनसे पूछना क्या ये डिवाइड होता होगा, वो बता नहीं पाएंगे। आप उनको बताइएगा बेटा ये सिर्फ यूनियन रखता है, और अपनी बुक दिखाइएगा, ये देख बेटा यहां लिखा हुआ है। अचानक से उनकी आंखें बड़ी हो जाएगी, वो बोलेंगे साला इसीलिए फाइनल में लगता है, और आपको बोलेंगे भाई रिस्पेक्ट साहब। मजा आएगा, सुनिए आर्टिकल 271 वर्ड पढ़िएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 270 में क्या लिखा था कि जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे हम उसे डिवाइड करेंगे, ये क्लियर कट बोल देता है। 270 में जो कुछ लिखा है उसे बाजू रखो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 270 में जो कुछ भी लिखा है मैं इस सेक्शन में उसे नहीं मान रहा, मतलब डिविजन वाली बातें यहां पर
नहीं हो रही, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 270, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, इसका कोई दिन नहीं होगा, मे एट एनी टाइम जब उनको लगे, इंक्रीज एनी ड्यूटीज और टैक्सेस, ड्यूटीज और टैक्सेस को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, रिफर टू इन दोज आर्टिकल, यहाँ पे जब ड्यूटीज और टैक्सेस होता है तो इसका मीनिंग एडिशनल ड्यूटीज भी आता है, रिफर्ड इन दोज आर्टिकल बाय अ सरचार्ज, किससे इंक्रीज करेंगे ड्यूटीज और टैक्सेस को, सरचार्ज से इंक्रीज करेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन। ओहो भाई साहब, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, यानी सरचार्ज से जो पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट्स में डिवाइड नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज का पैसा अपने पास रखेगी, और ये आपको आपको इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कितना कलेक्ट हुआ, इसमें से सरचार्ज वाला पार्ट कितना, फिर वो कैसे अलग होगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे ना, लिखा तो था 270 में, प्रेसिडेंट साहब कर देंगे, यहां बोल रहे डिवाइड नहीं होगा, पर जो आपको अलग अलग करना है या जैसा भी सेग्रीगेट करना है वो सब प्रेसिडेंट साहब करेंगे। यहां पे आपको क्या दिख गया, दैट सरचार्ज से ड्यूटीज और टैक्सेस इंक्रीज की जा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन का मतलब ये सिर्फ यूनियन रखेगा, ये स्टेट्स में डिवाइड नहीं होगा, एंड द होल प्रोसीड ऑफ एनी सरचार्ज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नो डाउट ये पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन इतना जो पैसा रहेगा एडिशनल वाला वो आपको क्या होगा, अलग किया जाएगा। और इसी के लिए अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन बताता हूं, जैसा मैं हर बार कहता हूं, कंप्यूटेशन देखा है, आईटीआर कंप्यूटेशन, बराबर है, शेड्यूल 5 आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा वहां पे तीन अलग अलग कॉलम दिखते, टैक्स, सरचार्ज और सेस। सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है साहब, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है वो सिस्टम ही इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो क्या करेगा पता है, टैक्स का वैल्यू सीएफआई में प्रॉपर लेके जाएगा, उनको जब वो सॉफ्टवेयर से अपनी रिपोर्ट निकालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कितना अमाउंट टैक्स का है, कितना अमाउंट सरचार्ज का है, कितना अमाउंट सेस का है। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, उनको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक निकाल के देगा, इट वर्क्स लाइक एन ईआरपी सिस्टम। कुछ नया सीखा, कुछ नया मिला, अभी बहुत कुछ बाकी है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे साहब, मैंने जब नोट्स बनाई आर्टिकल 123, 265, 245, 270, 271, पर क्या हमने इन्हें लाइन से पढ़ा या लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ा एक के बाद? हमने लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ा, और यही मैं आपको बेसिक्स में भी समझाया जब मैं आपको इंट्रो लेक्चर दे रहा था, कि जरूरी नहीं कि वहां पे जिस तरह से लिखा है मैं आपको उसी तरीके से लेके जाऊंगा, मैं आपको अलग अलग जगह से जहां लॉजिकली सेटअप होगा हम वहां से जाएंगे, एंड दिस इज द मोस्ट राइट वे टू डू द टैक्सेशन सब्जेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव डन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, लेट अस कम अगेन। जब हम टैक्स की बातें करते हैं आर्टिकल 265 में, तब हम सिर्फ टैक्स नहीं बोलते हैं, हम टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी बात करते हैं और सेस भी बात करते हैं। लेट अस कम टू सेस। नाउ व्हाट इज सेस? सेस इज अगेन एन एडिशनल लेवी। ये आप किसी पेज पे लिख करके रख सकते हैं, या अपने रजिस्टर के अंदर में भी आप लिखेंगे तो चलेगा। सेस इज एन एडिशनल लेवी, इट इज अ परसेंटेज ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। सो व्हाट इज सेस? सेस इज एन एडिशनल लेवी, इट इज अ परसेंटेज आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। तो सेस जब भी लगेगा ये आफ्टर सरचार्ज या आफ्टर रिबेट होगा, आफ्टर सरचार्ज या आफ्टर रिबेट होगा, तो जो भी होगा ये सीधा एंड वाली प्रोसेस होगी। नाउ सेस पहले आपको याद होगा, माइट भी जब तक कि आप इंटर में होंगे तब तक के आपका था 3% एज एजुकेशन सेस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे 4% कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी मोदी सरकार ने अपने दो चीजें क्लियर कर दी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से लेकर के आ गए। मैं आपको बता दूं, याद होगा तो मोदी सरकार ने अपने फर्स्ट टर्म के अंदर में 12 रुपए के अंदर में इंश्योरेंस निकाला था। पैसा कहां से आया और इस स्कीम को कैसे रन किया गया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के थ्रू पूरा किया गया। कुछ हॉस्पिटल्स बनाए गए और एम्स के नए हॉस्पिटल के निर्माण हुए, किस तरीके से वर्क हुआ साहब, पैसा कहां से आया,
इस तरीके से 1% 3% से 4% कर दिया गया, एंड ओवरऑल एचईसी हेल्थ एंड एजुकेशन से, जहां पहले सीईएसएस लिखते थे अब आप शॉर्ट फॉर्म में एचईसी भी लिख पाएंगे, तो एचईसी 4% इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात, जब भी सेस कलेक्ट होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है। Could be used only for specific purpose. Yes, सेस का एक बहुत बड़ा इशू है, सेस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ऐसा नहीं सेस किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाए, या लेट से सेस के पैसे से आप मिलिट्रीज को पेमेंट कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले लीजिए, क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। जो सेस कलेक्ट होता है ये सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। एंड स्पेसिफिक पर्पस क्या है, यानी भारत सरकार जो ये पैसा कलेक्ट कर रही है, इधर दे विल यूटिलाइज इन द हेल्थ सेक्टर और दे विल यूटिलाइज द एजुकेशन सेक्टर। मैं आपको बताता हूं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है इसके पीछे क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया गया है। तो सर ये तीन कोर डिफरेंसेस है, ये आप रजिस्टर के अंदर में लिखेंगे। सबसे पहले टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, राइट, ये लिख दीजिए रजिस्टर के अंदर में। ब्रीफ हिस्ट्री आपने नोट्स में लिख दी, आपको ब्रीफ हिस्ट्री वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखिए आपने अगर नहीं लिखा होगा तो। Hope it is done. Okay. So, sir, tax, surcharge, and cess. Done, sir. One can see we have done with constitutional validity of various thing. As far as exam point of view is concerned, you don't need to learn what is constitutional validity. You just understand it, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपके knowledge purpose के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा, ना इसके ऊपर क्वेश्चन कभी आया है। हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू सरचार्ज पूछ सकता है आपसे कि सरचार्ज जो होता है ये कौन रखता है। वी ऑल नो नाउ द सरचार्ज इज विद यूनियन, बस इतना हो कर लीजिए। आइए वापस से चलते हैं हाउ लॉ वर्क्स के ऊपर, लॉ किस तरीके से वर्क करता है। सो सबसे पहले लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रेटर्स, इनके ऊपर हम बात कर रहे थे। लॉ मेकिंग प्रोसेस तो हमें समझ में आ गई, इधर बाय पार्लियामेंट और बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 265 रीड विद 245 या फिर आर्टिकल 123, ये क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं पूरा प्रोसेस क्या होता है। जब भी कोई नया लॉ बन के आया, द मोस्ट रिसेंट वन इज जीएसटी, राइट। अब इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। जीएसटी आया, लॉ मेकर ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बना करके रख दिया एक लॉ। पहली सवाल, अब क्या होता होगा, ये लॉ आता है इंप्लीमेंटेशन में। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए किसके पास आता है, पार्लियामेंट ने अपने ये पावर्स, इंप्लीमेंटेशन के पावर्स बॉडी को दिए हुए हैं। याद होगा तो ये बॉडी आपकी बन गई थी 1964 में, जहां पार्लियामेंट ने अपने पावर्स दो अथॉरिटीज के बीच में डिवाइड कर दिए थे, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी और सीबीआईसी, सीबीआईसी के बारे में आपको पूरा का पूरा विशाल सर बताएंगे जीएसटी के लेक्चर्स के अंदर में, हम बात करते हैं सीबीडीटी के बारे में।
तो सर सीबीडीटी इज द अथॉरिटी जो क्या करती है, आपके लॉ को इंप्लीमेंट करती है। सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो रूल्स बनाती है। सीबीडीटी जो अथॉरिटी है क्या बनाती है, रूल्स बनाती है। सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर लेकर के आती है, यानी रूल्स बनाने का काम सीबीडीटी के पास, नोटिफिकेशन सर्कुलर बनाने का काम सीबीडीटी के पास। यहां से हमें और तीन वर्ड मिले, एक रूल्स, दूसरा नोटिफिकेशन, तीसरा सर्कुलर। और आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूं, मेरे को तो पूरा जीरो से समझना होगा ये सब क्या है। आइए डीप में चलते हैं। लॉ इंप्लीमेंटर्स, पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ, देन द पावर इज डेलीगेटेड, इसीलिए इसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। यस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो द पार्लियामेंट अप्रूव्स द लॉ, देन द पावर इज डेलीगेटेड टू अनादर बॉडी क्रिएटेड वर्किंग हियर। रूल्स आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड, रूल्स बनाना और उसको इंप्लीमेंट करने का काम इनके पास है। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड टू बी एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन जिसने लॉ बना दिया, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन अब इसे क्या करता है, इंप्लीमेंट करता। तो जीएसटी मेकर्स ने जीएसटी बना दिया, अब ये लोग ऑफिसर्स ने क्या किया, सीबीआईसी जो होगा उसने क्या किया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा। ध्यान से सुनिएगा सर, ऐसे रूल्स बनाने के पावर सीबीडीटी के पास है, कहीं लिखा है ये पावर्स हैं इनके पास? हाँ लिखा है। इसके लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट यू नो सीबीडीटी विल मेक द रूल्स, इसके लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन है सेक्शन 295। देखिए साहब, जब भी कोई एक्ट चालू होता है, कोई भी टीचर आपको सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ाएगा, सेक्शन 2 पढ़ाएगा, मैं आपको सीधा एंड पे लेके जा रहा हूं। 295, 298 इन टोटल सेक्शन है, 295 नियर टू द एंड लेकर के जा रहा हूं। ऐसा कुछ पावर है? यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या कर सकता है? रूल्स फ्रेम कर सकता है। आइए इस बारे में भी बात करते हैं। पेज नंबर 4, सेक्शन 295, पावर टू मेक रूल्स। सब सेक्शंस देखिए किस तरीके से डिवाइडेड है, मैंने आपको दो बुक के प्रेजेंटेशन में बताया था। स्टिल सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, ये बाकायदा चलेगा दो पेज तक के, फिर आएगा सब सेक्शन नंबर 3 और फिर आएगा सब सेक्शन नंबर 4। टेक्निकली पूरा का पूरा बेर एक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सर क्या एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट मुझे बेर एक्ट लेना चाहिए क्या? टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूं, टिल लास्ट ईयर मई एंड नवंबर 20 मैं हर बार बच्चों को बोलता था कि आप बेरैक लेकर के बैठो। कुछ बच्चे बेरैक लेते थे, कुछ बच्चे बेरैक नहीं लेते थे। मैं उनको बोलता था सेपरेटली मेरे नोट्स के अलावा कि आप बेरैक लो, और कुछ बच्चे लेते थे कुछ बच्चे नहीं लेते थे। देन इट क्लिक्ड इनटू माइंड कि यार मैं क्यों, मतलब लॉ में पहले बुक के अंदर मैं सिंप्लीफाई करके डालता था सिंपल लैंग्वेज में, बट देन आई थॉट कि यार जब इनको लाइफ टाइम यही पढ़ना है, देन मैंने सोच लिया कि भैया अब इनको बेरैक्ट परचेज करने नहीं बोलूंगा, इंस्टेड पूरा बेरैक्ट इसके अंदर में रिप्रोड्यूस करूंगा और उन्हें हैबिट लगाऊंगा इस लॉ के वर्ड्स को रीड करने की। और क्योंकि सब मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, आपको यहां पे ही नहीं, आपको ये बुक्स जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपको सीए बनने के बाद भी काम आएगी, आप अपने ऑफिसर्स में रखोगे, क्योंकि यहां पे आप उसके पीछे की हिस्ट्री भी लिख दोगे और ये बहुत इजी तरीके से लिखा है और बहुत अच्छे प्रेजेंटेड मैनर में है। तो आप सब अपने ऑफिसर्स में ये बुक रखोगे, ये बात मुझे पूरी की पूरी गारंटी है, और उस हिसाब से बनाया हुआ है। चार सबसेक्शन में डिवाइडेड है 295। 295 क्या कहता है, पावर देता है। किसको पावर देता है? बोर्ड को। जहां पे भी वर्ड आया बोर्ड, बोर्ड का यहां पे एक ही मतलब है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यस ऑर नो? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को क्या दिया गया, पावर दिया गया। आइए रीड करते हैं सब सेक्शन 1, पावर डेलीगेशन वाला है। द बोर्ड मे, यहां पे जैसे इन्होंने वर्ड कहा बोर्ड, आपका मतलब होना चाहिए सीबीडीटी। द बोर्ड मे सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। क्या करेंगे ये सर? ऑफिशियल गैजेट इन इंडिया मेक द रूल फॉर होल और एनी पार्ट फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। ये तो आर्टिकल 245 को ही रिप्रोड्यूस कर दिया सिर्फ बोर्ड लिख करके। सीधे सीधी बात, पार्लियामेंट ने अपने पावर किसके हाथ में दे दिए, बोर्ड के हाथ में दे दिए, कहा कि अब इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप देखें, इनकम टैक्स के अब जो भी रूल्स होंगे इंप्लीमेंटेशन करने वाले, यानी फॉर्म्स कौन से होंगे, ड्यू डेट्स क्या होगी, सारी चीजें अब कौन देखेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस देखेगा। और जब भी कोई रूल्स बनेंगे इसे गैजेट के अंदर में नोटिफाई कर दिया जाएगा। स्टॉप, यहां आते हम एक और बेसिक के ऊपर, गैजेट क्या है ये?
जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, इसे ऑफिशियल गैजेट के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे ऑफिशियल गैजेट के अंदर में रखा जाता है. सो वेन एवर देर इज अ नोटिफिकेशन, दे प्रोवाइड इट इन अ ऑफिशियल गैजेट. सर सर मुझे भी ऑफिशियल गैजेट चाहिए, मुझे और बेसिक में जाना है, ये ऑफिशियल गैजेट कहाँ मिलती है? मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे कहाँ मिलेगा ये गैजेट? कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताता हूं, दो जगह मिल सकता है. एक, या तो ये इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप ले लीजिए. दूसरा, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है. आज आपको एक प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिकल होमवर्क दे रहा हूं. अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे होंगे, तो मोबाइल के ऊपर साथ में www.egadget.nic.in इज द वेबसाइट. ये वेबसाइट आपके बड़े काम आने हैं. www.egadget.nic.in ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री का अगर ऑफ नोटिफिकेशन आता है, वो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आता है, और इस वेबसाइट से अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री के वेबसाइट के ऊपर वो चले जाता है. तो ये है ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट. आपको कोई कोई चौक जाने की जरूरत नहीं, कोई डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आता है साहब. ई गैजेट डॉट निक डॉट इन इस वेबसाइट के ऊपर आता है. और अपने ऑफिस में जरूर रोक जमाइएगा, ऑफिशियल गैजेट कहाँ आता है ये सुन करके, ई गैजेट के अंदर में आता है. अच्छा साहब, ध्यान से सुनिए. तो सबसेक्शन वन हमें कहता है कि बोर्ड के पास पावर है कि क्या क्या किया जा सकता है, रूल्स बनाने का पावर है. सबसेक्शन टू, इसे हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पूरे इनकम टैक्स में तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं. और जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है, हम उस चीज की करेंगे. ये सबसेक्शन टू हमें बताता है, आप यहां लिख सकते हैं, पावर विथ बोर्ड. सबसे पहला सेक्शन हमें बताता है कि पावर किसके साथ है, बोर्ड के साथ है. सबसेक्शन टू हमें बताता है व्हाट आर द पावर्स, क्या क्या पावर्स है, क्या क्या पावर्स है, ये हमें बताता है सबसेक्शन टू. लेकिन हमें ये अभी नहीं पढ़ना, मैंने आपको पहले भी बताया, हर चीज में आपको तुरंत नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं इसके कुछ लिंक्स है, उसके साथ हमें पढ़ने होंगे. तो इन जनरल हम सबसे पहले इसका पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ेंगे. पार्ट ए और पार्ट बी एज ऑफ नाउ काम का है, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे. इन पर्टिकुलर विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर्स, सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. तो जनरली अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक पावर इज गिवन, ये पावर्स रूल बनाने के हैं. क्या क्या पावर्स है बोर्ड के पास? असर्टन एंड डिटरमाइन द क्लासेस ऑफ इनकम. एक, वो क्या कर सकते हैं, असर्टन कर सकते हैं आपकी टोटल इनकम कितनी है, डिटरमाइन कर सकते हैं आपकी क्लास और क्लासेस ऑफ इनकम कितनी है, कितने हेड्स ऑफ इनकम है. दूसरे में आया है अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 20, ध्यान से सुनिएगा, द मैनर इन विच एंड द प्रोसीजर बाय विच इनकम शैल बी अराइव्ड. ये क्या कर सकते हैं, एक मैनर दे सकते हैं कि इनकम को किस तरीके से क्या करना है, कंप्यूट करना है. मैनर दे सकते हैं कि इनकम को किस तरीके से क्या करना है, कंप्यूट करना है. अच्छा जी, इनकम डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम आई तो उसे किस तरीके से डिराइव करना है. पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर पर्सन आउटसाइड इंडिया तो उसकी इनकम कैसे डिटरमाइन करनी है. ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट, ये फाइनेंस एक्ट द्वारा अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट क्या है, अब तक ये होता था कि इसके स्पेसिफिक पावर नहीं थे. नॉन रेसिडेंट ने अगर इंडिया में इनकम कमाई तो इसका टैक्स कंप्यूटेशन के पावर स्पेसिफिकली लिखे हुए नहीं थे, जिसके कारण बार बार प्रॉब्लम आती थी कि इससे रिलेटेड रूल्स कैसे बनाए जाए. इस बार स्पेसिफिकली इंसर्ट कर दिया गया. एंड चौथा, ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटी ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में ट्रांजैक्शंस कर रहा है या नॉन रेसिडेंट इंडिया में एक्टिविटीज कर रहा है, तो इसकी इनकम को डिटरमाइन करने का पावर भी किसके हाथ में आ गया, अब सीबीडीटी के हाथ में आ गया, ऐसे रूल्स बन गए. ठीक है साहब, तो सबसेक्शन वन पावर देता है रूल्स बनाने के, सबसेक्शन टू बताता है क्या क्या पावर्स है, इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे. सबसेक्शन थ्री, ये क्यों इंसर्ट किया गया था, इसके पीछे एक लॉजिक था, अंडरस्टैंड कीजिए. सबसेक्शन टू हमें बताता है कि किस तरीके से इनकम डिटरमाइन होनी चाहिए, बट देर आर केसेस जहां एक्चुअल इनकम डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, और ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉज लेफ्ट विथ नो ऑफ द ऑप्शन.
ऐसे केसेस में जब इनकम टैक्स अपने मन से कोई टैक्स निकालता था, अपने मन से कोई इनकम निकालता था और उसके ऊपर टैक्स निकालता था, असेसी इसको ऑब्जेक्ट कर देता था कोर्ट के अंदर में कि सर आपके पास तो ये पावर ही नहीं है, आपके पास तो मेरी इनकम आप जब डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे तो आप अपने कौन से बेसिस के ऊपर मेरी इनकम निकाल रहे हैं, आप टैक्स नहीं लगा सकते। और ये सही थे क्योंकि ऐसा कोई पावर दिया ही नहीं था, इसीलिए सबसेक्शन 3 इंसर्ट किया गया। सबसेक्शन 3 कहता है इफ सबसेक्शन 2 के हिसाब से इनकम फॉर एनी गुड रीजन नहीं कंप्यूट की जा सकेगी तो सबसेक्शन 3 में यह पावर दिया गया बोर्ड के हाथ में कि वो इनकम कैलकुलेट करेंगे और जो इनकम कैलकुलेट करेंगे उसे ही कंप्यूटेड इनकम का दर्जा मिल जाएगा, बाद में असेसी इसे ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा किस केसेस में होता है? एक हाथ केस तो मुझे भी पता है, मैं आपको बता देता हूं। अब पुणे में एक बहुत फेमस वड़ा पाव सेंटर है, जब इस वड़ा पाव सेंटर के ऊपर रेड पड़ी तो क्योंकि वो बिल इशू नहीं करते थे तो ये डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, ये डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि एक्चुअल सेल्स कितना हो रहा है, एक्चुअल सेल्स कितना हो रहा है। और ऐसे केसेस में क्या किया गया, ऐसे केसेस में जो रैपर्स थे डस्टबिन में पड़े हुए, उन डस्टबिन में पड़े हुए रैपर्स को उठा करके उल्टा इनकम कंप्यूट की गई, इस तरीके से भी किया गया। अगर एसएससी इसको ऑब्जेक्ट करता हम सेक्शन 295 सबसेक्शन 3 दिखाते कि ऐसा एक पावर अवेलेबल है, चेक कीजिएगा मजा आएगा। ये सबसे ज्यादा यूज होता है रेड वगैरह के केस में, जहां पे एसएससी ऐसे केसेस में एंगेज है जहां क्लियर कट नहीं पता होता कि इनकम किस तरह से डिटरमाइन हो रही है, वहां ये पावर सबसे ज्यादा यूज आता है। सो इन द केस कमिंग अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2, जो केसेस क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 वेयर द इनकम लायबल टू टैक्स कैनॉट बी डिटरमाइंड, अगर सबसेक्शन 2 के पावर यूज करके इनकम डिटरमाइन यूज नहीं की जा सकती और कैन बी असर्टेन ओनली विद द अमाउंट ऑफ ट्रबल एंड एक्सपेंसेस टू द एसएससी विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अनरीजनेबल, या डिटरमाइन हो सकती है लेकिन इससे बहुत ज्यादा ट्रबल होगा और एसएससी को बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी और यह अनरीजनेबल लग रहा है बोर्ड को, तो बोर्ड क्या कर सकता है, द रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन मे प्रोवाइड प्रिस्क्राइब द मेथड बाय विच एन एस्टिमेट ऑफ सच इनकम मे बी मेड, एक एस्टिमेशन बेसिस पे क्या किया जा सकता है, इनकम को ली जा सकती है। इसके कई सेक्शन आपके पास मौजूद है, जैसे 44AD, क्या कर रहे हैं आप, टर्नओवर का ही तो आप 8% या 6% निकाल रहे हैं, कौन सा बेसिस है, एस्टिमेट बेसिस पे निकाल रहे हैं। आप अपने ऑफिसेज में ये काम कर चुके हैं, ये पावर को आप इनडायरेक्टली यूज कर चुके हैं, एस्टिमेट बेसिस पे काम हो रहा है। सो एंड इन केस कमिंग अंडर सेक्शन 295 सबसेक्शन 2B1 क्लासेस ऑफ इनकम स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच शैल बी डीम्ड टू बी इनकम लायबल टू टैक्स एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन सच एस्टिमेट और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्लियर कट। अगर सबसेक्शन 3 के हिसाब से कोई एस्टिमेट बताया या प्रपोर्शन ऑफ इनकम ली गई कि ये इतनी इनकम बिजनेस इनकम है, इतनी इनकम पर्सनल इनकम है, ऐसे केसेस में जो प्रपोर्शन निकाला गया ये प्रपोर्शन को एक फेयर प्रपोर्शन मान के इस पे इनकम टैक्स भरने का ऑर्डर दिया जा सकता है। सो सबसेक्शन 3 हमसे किस बारे में बात करता है, एस्टिमेशन कैन बी मेड, एस्टिमेशन कैन बी मेड 295 सबसेक्शन 4। ये पावर बहुत जरूरी था, ये पावर क्या था जरा समझिए। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लूपहोल्स ढूंढता है, कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लूपहोल्स ढूंढता है और इस लूपहोल को वो इमीडिएट कर्वअप करना चाहता है बाय गिविंग अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जनरली जब भी कोई लॉ बनता है इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलता है, लेकिन क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया जा सकता है किसी लॉ को, एक्ट को दिया जा सकता था, रूल्स के बारे में ये क्लैरिटी नहीं थी,
कि क्या एक्ट को तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता था, रूल्स के बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या रूल्स को भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिल सकता है क्या। और इसके कारण होता यह था कि एक्ट जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता था, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए रूल्स चाहिए था, रूल्स के तो पावर ही नहीं थे। एट दैट टाइम इट वॉज थॉट एंड इंसर्टेड इन सेक्शन 295 सबसेक्शन 4 दैट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू द रूल्स कुड ऑल्सो बी मेड। यही है वो सेक्शन। The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect. Power क्या दिया जा सकता है? Retrospective effect दिया जा सकता है from a date not earlier than the date of commencement of act. यानी maximum retrospective effect कहां तक जा सकता है? 1961 तक के retrospective effect जा सकता है, क्योंकि act वहीं से commence हुआ था। इसका एक बेहतरीन नमूना आपको देखने को मिलता है वोडाफोन केस। बेहतरीन नमूना साहब, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवर रूल करके रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट दिया गया था, एंड रेट्रोस्पेक्टिव भी कब से दिया गया था? 1961। प्रणब मुखर्जी साहब, द अर्लियर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका एक इंटरव्यू है जहां पे वो कहते हैं मैक्सिमम 1961 हमने इसलिए लाया क्योंकि एक्ट उसके पहले नहीं था, नहीं तो हम इससे भी पीछे लेके चल जाते। कैपिटल गेन चैप्टर है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, वहां आपको पूरा का पूरा वोडाफोन केस डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा। तब मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा, देखिए साहब सेक्शन 295 में पावर था कि रेट्रोस्पेक्टिव कितना पीछे जा सकते हैं, और कितना पीछे मैक्सिमम जहां तक के, जहां से एक्ट बना है वहां तक के आप जा सकते हो। टू द रूल्स, The power to make rules conferred under this section shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the commencement of act to the rules or any of them, and unless contrary is permitted, whether expressly or implication, no retrospective effect shall be given to any rules so as to be prejudicially affect the interest of assessee. So unless specifically provided, ऐसा कोई rules नहीं हो सकता जो interest of assessee को affect कर दे। ठीक है, logical बात कही है इन्होंने। आइए रजिस्टर पे, सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा? टैक्स सरचार्ज एंड सेस लिखा होगा। अब जब हमने पूरा सेक्शन बना लिया, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम लोग क्लास में सेक्शन भी बनाएंगे। अब इसी को शॉर्ट कर देंगे, बोर्ड हैज पावर टू मेक रूल्स बोर्ड मे मेक रूल्स इन द मैटर गिवन इन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 295। इसी चीज को बस हम शॉर्ट कर रहे हैं जो हमने शॉर्ट में पढ़ा। बोर्ड हैज पावर टू मेक रूल्स, बोर्ड उन चीजों पे रूल्स बना सकता है जो सबसेक्शन 2 के अंदर में दी हुई है। इनकम और प्रपोर्शन of income can be estimated when income can't be determined as per subsection 2 and fourth, rules may have retrospective effect subject to exception. Exceptions क्या है? वो interest affect नहीं करना चाहिए। So 295 शॉर्ट में ये है। रजिस्टर में हमने शॉर्ट में लिखा है, किसी को चाहिए डीप में आकर के नोट्स में पढ़ लें, पर शॉर्ट में कुल मिलाकर के ये है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं,
ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है, या फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले के ऊपर क्या आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। डन सर, चलिए कहाँ थे हम याद दिलाता हूं। इसी के लिए कहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है, लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, इसके बाद क्या होगा साहब, सीबीडीटी से क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट कैसे करेगा वो, सबसे पहले क्या बनाएगा साहब, रूल्स बनाएगा। अच्छा जी, एक मिनट रुकिए, रूल्स तो बना लेंगे साहब, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ना कि इंप्लीमेंटेशन में कुछ डिफिकल्टीज आ जाए। रूल्स बना लिए, रूल्स इंप्लीमेंट भी कर दिए, रूल्स इंप्लीमेंट करने के बाद समझ में आया कि इसमें तो एक्चुअली डिफिकल्टी आ रही है इंप्लीमेंट करने में। सोचा था बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, जैसे आपके सीए कोर्स के साथ होता है, लगा था बहुत ईजी है, बाद में पता चला, और आज आप उसको ढूंढ रहे हो जिसने बोला था ये कोर्स बहुत ईजी है। समझ में आ रही बात? तो एक और सवाल उठता है कि क्या इन डिफिकल्टीज को फिर कैसे रिमूव किया जाएगा अगर कोई डिफिकल्टी आती है। मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो आई थी और इस सेक्शन को यूज करके उसे रिमूव किया गया। मैं आपको बताता हूं क्या था। जब आधार लाया गया, ध्यान से सुनिए, जब आधार लाया गया सेक्शन 139AA के तहत आधार आया और कहा कि अगर किसी को भी क्या करना है, रिटर्न भरना है या पैन अप्लाई करना है, तो हुमसोएवर हु वॉन्ट्स टू फाइल द रिटर्न और विश टू अप्लाई पैन, ही मस्ट कोट आधार, ही मस्ट कोट आधार, उसको आधार कोट करना जरूरी हो जाएगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, नॉन रेसिडेंट की, जब लॉ बनाया तब यहां नॉन रेसिडेंट को कंसिडर करना भूल गए। उन्होंने लॉ तो लिख दिया कि रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड लगेगा, पैन 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 कार्ड अप्लाई करते वक्त आधार लगेगा, पर वो ये लिखना भूल गए कि नॉन रेसिडेंट के केस में इसका क्या होगा। फिर नॉन रेसिडेंट ने एक सवाल उठाया कि सर आप तो बोल रहे हैं आधार नहीं है तो ना हम रिटर्न भर पाएंगे, और रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे और साथ साथ में हम पैन भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर हम रेसिडेंट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट ऑफ रेसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। तो इसका मतलब क्या हमें टैक्स नहीं देना है, रिटर्न भरने से हमें एग्जम्पशन है, क्या प्रोवाइड किया गया। लॉ मेकर को समझ में आया कि लॉ बना दिया दैट आधार विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया आधार पैन के लिंक के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ गई। अब इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को रिमूव किया जा सकता है क्या? ऐसा एक सेक्शन है, और सेक्शन है द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 295, 298। हाँ देखिए, आपकी बुक में 298 भी दिया है। 298 अगेन चार सबसेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट? पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। माइंड भी पूरा भारत के हर टीचर ऑलमोस्ट सेक्शन वन से चालू करते होंगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से चालू करते होंगे, मैं लॉजिक से चालू कर रहा हूं। 298 सेक्शन, ये सेक्शन कहता है कि अगर रूल्स बनाए और उस रूल्स को इंप्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टीज आ गई, तो इस डिफिकल्टीज को रिमूव करने का काम भी कौन करेगा, बोर्ड करेगा, बाय अ जनरल ऑर्डर और अ स्पेशल ऑर्डर। और ऐसा उन्होंने किया भी है, यस ऐसा उन्होंने किया भी है 1962 और 1987 में। जब एक्ट 1962, जब 1922 वाले एक्ट को 1961 के एक्ट के प्रोविजंस के साथ क्या किया गया था, अपेरेंटली मर्ज किया गया था, और 1987 में जब कुछ प्रोविजंस चेंज की गई थी तब इन पावर्स का यूज भी किया था जो सबसेक्शन 2 और 3 के अंदर में लिखे हुए हैं, राइट? और साथ ही साथ ये पावर, यही सेक्शन है जो कहता है जब भी कोई रूल्स बनाए जाएंगे तब इसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी होगा। आइए चेक करते हैं, सेक्शन 298 आना है आपको पेज नंबर 1.3 पे। इसका सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 आप नहीं पढ़े तो भी चलेगा, हालांकि ओवरऑल सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी था तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। इनफैक्ट ये चीजें आपको मिलेगी भी मेरी बुक में। 298, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज, वर्ड पढ़िएगा, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, टेक्निकली बोर्ड ही करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो मे बाय जनरल और स्पेशल ऑफर ऑर्डर, नॉट ऑफर, डू एनीथिंग
not inconsistent with the such provision which appears it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. तो क्या किया जा सकता है, एक order issue किया जा सकता है for the purpose of removing the difficulty. कौन issue करेगा सर? Central government issue कर देगा एक special order. क्या वो ऐसा कर चुके हैं? दो बार कर चुके हैं, 1962 और 1987. तो सबसेक्शन 2 और 3 में लिखा है, आप नहीं पढ़े तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं. इन पर्टिकुलर्स विदाउट प्रोजीडियस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर्स एनी सच ऑर्डर मे प्रोवाइड फॉर अडॉप्शन, एनी सच ऑर्डर मे प्रोवाइड फॉर अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू विच रिपील्ड एक्ट शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 1962. ये प्रोविजन कब के बारे में बात कर रहे हो? 31 मार्च 1962. तो इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा. जब 1962 में कन्वर्जेंस किया गया था 1922 के एक्ट का, तब उन्होंने बोला था कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हम कन्वर्जेंस में ला रहे हैं. सेम उसी तरीके से जब डायरेक्ट टैक्स लॉ अमेंडमेंट 1987 में आया था, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया था. तो ये भी पार्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा. सीधा इधर आइए. एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी लेड बिफोर ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. जब भी कोई ऐसा बनेगा, इसे ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखना होगा. एनी डिफिकल्टीज को जब कोई ऑर्डर मिला होगा, इसे आपको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने क्या करना होगा साहब? रखना होगा. रजिस्टर में आइए, एक और सेक्शन लिखिए, सेक्शन 298, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिमूव एनी डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस. बस इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, बस इतना भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा. डन सर. तो सर आप देख सकते हैं, लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया, लॉ इंप्लीमेंटर्स क्या करेंगे? लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे. लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए वो क्या बनाएंगे सर? रूल्स बनाएंगे. ऐसा एक पावर कहां दिया है? सेक्शन 295 में दिया है कि रूल्स बनेंगे. अगर रूल्स के अंदर में कोई डिफिकल्टी आई, क्या इसे रिमूव करने का पावर है? जी हाँ, इसे रिमूव करने का पावर है. और इनकम टैक्स का सबसे आखिरी सेक्शन 298 कहता है कि अगर हमें इंप्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसे क्या कर सकते हैं? रिमूव करने का भी पावर आपको दे देते हैं. आगे बढ़ते हैं साहब. इन सीबीडीटी क्या इशू करता है? सीबीडीटी सबसे पहले रूल्स बनाएगा, साथ ही साथ सीबीडीटी क्या करेगा? नोटिफिकेशन और सर्कुलर भी इशू करेगा. आइए इस बारे में भी जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो समझते हैं आखिर ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर होता क्या है. आप बता पाएंगे सर? रजिस्टर में जाइए, लिखिए नोटिफिकेशन. काम की चीज है आपके साहब. नोटिफिकेशन क्या होता है? आपने ऑफिसर्स में देखा होगा, अचानक से नोटिफिकेशन आता है, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आ जाता है. ये नोटिफिकेशन होता क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में? क्या लगता है आपको? दिल से पूछिए. आप अगर अकेले देख रहे हैं तो अपने आपको जवाब दीजिए, अपने घर वालों से पूछ रहे हैं तो घर वालों में जो भी आपके पास बैठा होगा उनसे पूछिए कि भाई बता नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है. आपके रूम में आप गर्ल हैं, आपके रूम में टेडी बियर है तो पूछिएगा, टेडी नोटिफिकेशन क्या होता है? हाँ सर, पढ़ने में सर मस्ती जरूरी है और ये सब करते रहिएगा, क्योंकि जब आप इसे पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19, आपको ये लेक्चर देखने के बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉस बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा और मैं एकदम भयानक सीरियस नहीं पढ़ा सकता. तो आपको ये सब मिलते रहेगा बीच बीच में. सर नोटिफिकेशन क्या होता है आखिर? नोटिफिकेशन किसके ऊपर वैलिड है? दूसरा सवाल,
इफेक्ट क्या होगा? एक्ट और नोटिफिकेशन अगर दोनों भिड़ जाएं कौन जीतेगा? सुन लिए चारों सवाल? चलिए एक एक जवाब देते हैं। व्हाट इज नोटिफिकेशन? सर नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। सर जैसे ही भारत सरकार ने कोई भी नए रूल्स लेकर के आए, अभी हमने पढ़ा 295 में, वेन एवर द न्यू रूल्स हैज बीन ब्रॉट इन दे विल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। तो दे विल नोटिफाई, कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी चेंज हुआ आपको कम्युनिकेट करते हैं बाय ब्रिंगिंग अ नोटिफिकेशन। सर आप एक अलग शब्दों में समझाता हूं, मान लीजिए आपने इंस्टा पे मुझे ऐड किया, मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो बैक किया, आपको क्या आएगा? नोटिफिकेशन, चेंज इन योर नंबर्स। आपके दोस्त ने फेसबुक प्रोफाइल चेंज करी, क्या आएगा? नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। तो भारत सरकार आपसे अगर कोई भी चेंज कम्युनिकेट करना चाहती है तो ये चेंज कम्युनिकेट करने का तरीका है नोटिफिकेशन। सो इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज मे बी इन रूल्स, चेंज मे बी इन एक्ट। सर ऑल नोटिफिकेशन 6 month बिफोर एग्जाम्स आर एप्लीकेबल। तो ध्यान से सुनिए, वो सभी नोटिफिकेशन जो 6 month बिफोर एग्जाम आए होंगे वो आपके ऊपर मैंडेटरीली एप्लीकेबल होंगे। तो बताइए अब क्या आपको सिर्फ एक्ट पढ़ना है? नहीं। क्या आपको सिर्फ रूल्स पढ़ने हैं? नहीं। अब आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने हैं। गलत कहते हैं आपसे कि आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, और वो सारे नोटिफिकेशन 6 month बिफोर एग्जाम एप्लीकेबल है। जिसका मतलब अगर आप May 21 दे रहे हैं तो October 20 तक के सारे नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है, अगर आप November 21 दे रहे हैं तो आपको May 21 तक के सारे नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। ये नोटिफिकेशन अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत सारे आते हैं। कैसे ढूंढना है नोटिफिकेशन, कहां मिलेगा नोटिफिकेशन? आपको 2 websites के ऊपर मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूं कहां का। एक egadget.nic.in, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं। दूसरा है आपका, बोलो भाई कौन सा? IncomeTaxIndia.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, नोटिफिकेशन का कॉलम होगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या हर नोटिफिकेशन आपके काम का है? आंसर इज नो। हर नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं होता। नोटिफिकेशन आते हैं, और नोटिफिकेशन जब भी आते हैं आप देखेंगे वहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और नोटिफिकेशन को एक नंबर होगा, लेट्स से 2/2020, जिसका मतलब ये होता है 2020 का ये सेकंड नंबर का नोटिफिकेशन था जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, सॉरी सीबीडीटी ने दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से इंस्टीट्यूट के भी नोटिफिकेशन आते हैं। हर नोटिफिकेशन आपके काम के नहीं होते। जो नोटिफिकेशन आपके काम के होंगे वो हमने नोट्स के अंदर में कंसिडर किया होगा, या कुछ रह भी जाते हैं तो वो आरटीपी के अंदर में आ जाते हैं पूरे के पूरे। तो बस आपको उतने ही नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, हर नोटिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी सर, सर कभी एक्ट और नोटिफिकेशन दोनों भिड़ गए? Something or the other is contradictory in act or notification. Generally ऐसा होता नहीं है, but अगर हो जाए, क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ इसलिए ये रूल बना, तो कौन जीतेगा? एक्ट जीतेगा कि नोटिफिकेशन जीतेगा? आपको क्या लगता है? सर मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन prevails over the act, ये याद रखिएगा, नोटिफिकेशन prevails over the act। जी हाँ, नोटिफिकेशन कभी भी एक्ट के ऊपर प्रिवेल करता है। सर एग्जांपल दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जनरली द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज जुलाई और सितंबर, करेक्ट? ये इस साल से चेंज हो गई है, अक्टूबर हो गई है, आपको आगे पता चलेगा चैप्टर्स के अंदर में। सितंबर वाली ड्यू डेट्स को अब अक्टूबर कर दिया गया है। सो द नोटिफिकेशन जनरल रूल क्या है, जुलाई या सितंबर के अंदर में आपका क्या होता है साहब, रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है। लेकिन आप अपने आर्टिकल शिप के एटलीस्ट 2 साल भी अगर पूरे कर चुके होंगे तो आपको पता होगा ये ड्यू डेट हर बार नोटिफिकेशन आने की वजह से आगे बढ़ जाती है। अब एक्ट में लिखा था जुलाई या सितंबर अक्टूबर, व्हाट्स एवर डेट, अब ये क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। क्या अप्लाई किया, एक्ट या नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन अप्लाई किया। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टडी, यानी प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिकल, यही है वो चीज।
सर कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज ऑन नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, तो जो भी 6 महीने पहले का एग्जाम होगा आपने वो समझ लेना वो एप्लीकेबल है। 2 वेबसाइट्स के ऊपर मिल सकता है आपको, ई गैजेट और इनकम टैक्स इंडिया। नोटिफिकेशन प्रिवेल्स ओवर दी एक्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन सब इशू कौन करता है लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी इशूड बाय CBDT, इट इज इशूड बाय CBDT। तो CBDT क्या इशू करता है, लॉ इंप्लीमेंटर्स क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रूल्स लोगों तक पहुंचाते भी हैं बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन। अब आते हैं हम एक और बात के ऊपर, इसके बाद का पक्का ब्रेक देता हूं, ध्यान से सुनना, पक्का ब्रेक देता हूं इसके बाद, रुक जाओ। हर बार आज से ही एक प्लान बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। 2 घंटे बाद एक ब्रेक होगा और उसके बाद अगेन 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी रहेगा हम लोग वो पढ़ेंगे, राइट। तो हर रोज एग्जैक्टली 2 घंटे जब कंप्लीट होंगे अपन ब्रेक लेंगे मालिक। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सर्कुलर क्या होता है, मन में सवाल पूछेगा, आजू बाजू जो भी बैठा होगा उससे पूछेगा, भाई सर्कुलर मतलब क्या होता है बता मुझे। दूसरा सवाल, किस पे एप्लीकेबल है। तीसरा सवाल, इशू कौन करता है। चौथा सवाल, होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सर्कुलर, क्या होता है लॉजिक, क्या है सर्कुलर के पीछे। आइए सर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर अंडरस्टैंड, एक लॉ मेकर ने एक लॉ बनाया, राइट, लॉ मेकर्स ने लॉ बना दिया, राइट right? ऐसा हो सकता है दैट अ सीआईटी हु इज सिटिंग इन दिल्ली मे इंटरप्रेटेड इन एक्स वे। जरूरी है सीआईटी सिटिंग इन मुंबई, सीआईटी सिटिंग इन पुणे, सीआईटी सिटिंग इन चेन्नई वुड हैव द सेम ओपिनियन ऑन द सेम लॉ? नो, दे कुड हैव देयर डिफरेंट ओपिनियन, बराबर है ना। जो दिल्ली का सीआईटी कर रहा है हो सकता है कलकत्ता सीआईटी करे ना करे, भोपाल सीआईटी करे ना करे, औरंगाबाद सीआईटी करे ना करे, इनके अपने अलग भी हो सकते हैं। लॉ मेकर ने लॉ बना दिया पर इसको देखने का तरीका हरेक का अलग हो सकता है ना। अब ऐसे केसेस में आप सोच के देखिए, सीआईटी दिल्ली लेट्स से अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, सीआईटी दिल्ली अलाउज इट, सीआईटी मुंबई सेड आई विल नॉट अलाउ इट, चेन्नई से आई विल पार्शियली अलाउ इट, इट विल मेक अ होल मॉकरी ऑफ लॉ। This will give a very wrong impression. Imagine कीजिए ना आप सर, imagine कीजिए एक client आया, right? आप लोग 4 partner की एक firm है। ऐसा हमारे साथ एक बार हुआ है, मैं इसी के लिए आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वाले partner के पास गया, सबसे पहले वाला partner बोलता है नहीं है, possible ही नहीं है। दूसरा वाला partner बोलता है possible है लेकिन ये सिर्फ एक ही केस में possible है। तीसरा वाला बोलता है अरे सर पूरा का पूरा possible है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। चौथा पार्टनर बोला कि सर आपको करना क्या है ये बोलो, मैं सब कर सकता हूं, वो है या नहीं है वो सब छोड़ दो, आपको करना क्या है ये बोलो। नाउ अंडरस्टैंड, दिस विल गिव अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन, इट विल मेक द होल मॉकरी ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ एक ही है, खुद इंटरनली डिपार्टमेंट ही अगर इसे अलग अलग रीड करने लग जाए तो दिस विल मेक अ बैड इंप्रेशन। और इसी के लिए क्या किया जाता है, टू स्ट्रीमलाइन दिस, टू हैव अ क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू विच इज नॉट क्लियर्ड बाय द वर्डिंग्स ऑफ लॉ, क्लैरिफिकेशन के लिए इशू किया जाता है सर्क्यूलर, ताकि सर्क्यूलर, इट इज सर्क्यूलेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट, दैट इज वॉट वी कॉल्ड एज सर्क्यूलर, इट इज सर्क्यूलेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट के ऊपर क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, डिपार्टमेंट के नॉट हैव अ डिफरेंट व्यू अदर देन सर्क्यूलर, डिपार्टमेंट सर्क्यूलर छोड़ के नहीं बढ़ सकता, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। बट आई आस्क यू अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वॉट सो एवर इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, कैन असेसी स्टिल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स से डिपार्टमेंट हैव अ व्यू दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एंड असेसी थिंक दिस इज माई बिजनेस एक्सपेंडिचर दिस शुड बी अलाउड। आप मुझे बताइए, कैन असेसी कुड हैव अ डिफरेंट व्यू, ऑब्वियसली योर आंसर विल कम टू येस, हेंस इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। सो सर्क्यूलर इज अ क्लैरिफिकेशन, इट इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। ऑल सर्क्यूलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, जस्ट लाइक नोटिफिकेशन, ऑल सर्क्यूलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल एंड दीज आर इशूड बाय वॉट, CBDT। सो वॉट इज सर्क्यूलर, सर्क्यूलर इज क्लैरिफिकेशन of doubt in provisions
इट इज इश्यूड बाय सीबीडीटी, ऑल सर्क्युलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम्स आर एप्लीकेबल, ऑल सर्क्युलर 6 मंथ बिफोर आर एप्लीकेबल, दीज आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। ITAT oblique courts, these are binding on income tax department, not binding on assessee, ITATs or courts. Done, sir. Okay. So before the break हमने क्या क्या कर लिया हम ये बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। आपको ऐसा लग रहा होगा 2 ही घंटे में माँ कसम मैंने लाइफ में क्या क्या नया पढ़ लिया। टेंशन मत लो, आज जब 3 घंटे खत्म होंगे आप ऑल टुगेदर एक अलग एक्सप्रेशन में होंगे, एक अलग लेवल पे होंगे। सेक्शन कैसे रीड करते हैं, एक्ट में क्या क्या होता है, बेसिस ऑफ एक्ट क्या होता है, एक्ट और रूल्स के बीच का फर्क क्या होता है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक में खेल रहे हैं। आज मे बी कल का लेक्चर भी हमारा बेसिक्स बेसिक्स में जाएगा। पहले आपका बेस पक्का करना बहुत जरूरी है, फाइनल लेवल का टैक्स पढ़ना है आपको साहब, राइट। फिर हमने समझा लॉ बनता कैसे है। इस दौरान हम लोगों ने आर्टिकल 123 पढ़ा, आर्टिकल 265, 245, आर्टिकल 270 एंड 271 वी हैड रेफर्ड इट ऑल। देन वी हैव गॉन टू इम्प्लीमेंटेशन। व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वी हैव लर्न सेक्शन 295 इन डिटेल, सेक्शन 298 इन डिटेल्ड, राइट। देन नोटिफिकेशन एंड सर्क्युलर, यहां तक का पूरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। देन एट द सेम टाइम व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज सरचार्ज एंड व्हाट इज सेस, हम लोगों ने इन तीन पे भी बात किया। हमने अभी इनके रेट्स पे बात नहीं की, हम अभी सिर्फ इनके मीनिंग्स के ऊपर चल रहे हैं, राइट। यू हैव अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आगे की चीजों के लिए। Yeah.
चलिए वेलकम आफ्टर द ब्रेक, लेट्स स्टार्ट. सर अब तक हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा सर हम लोगों ने देखा रूल्स आर बीइंग मेड बाय व्हाट रूल्स आर बीइंग मेड बाय सीबीडीटी. सो वी हैव अगेन डिस्कस्ड द इंपैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर विच वी हैव आल्सो रिटन इन द रजिस्टर, राइट. सो आज आते हैं, हमने यहां पे भी लिखा है कि यस हम लोगों ने नोट्स के अंदर भी कवर किया हुआ है. सो लेट अस कम टू पेज नंबर 1.7, यू विल गेट इट. इनकम टैक्स रूल्स आर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. Scope of Income Tax Act first cover the Act for determining the taxable income, determining the tax liability, assessment procedure, appeal, penalty, prosecutions, etc. Whereas the Income Tax Rules are for implementation of Act for carrying out the purpose of the Act and Section 295 CBDT can make the rules. 295 we have discussed in detail earlier. Circular and clarification. Under Section 119, CBDT issues circular and clarification which helps to clarify the doubts. It is binding on income tax authorities, not binding on assessee. अभी हम लोगों ने इसका logic पढ़ा क्योंकि department का same opinion होना जरूरी है. Assessee may could have different opinion and all notification circulars 6 months before exams are relevant. तो accordingly जब भी आपका May 21 होगा तो October 20 तक का, और अगर November होगा तो April 21 तक के सारे notifications आप लोग को एप्लीकेबल है, ठीक है. अब आते हैं हम तीसरे विंग के ऊपर, ठीक है. लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ पावर डिफिकल्टीज आई तो इसे रिमूव कर दिया, नोटिफिकेशन ला लिया, लोगों को कम्युनिकेट कर दिया, कोई भी चेंज हुआ होगा तो सर्कुलर लेकर के आ गए और क्लैरिफाई कर दिया किसी भी डाउट को. अब क्या होता होगा जरा समझिएगा, लॉ इंटरप्रिटेशन की बात आती है. जब लॉ बनता है उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, रिमूवल डिफिकल्टीज होती है. अब लॉ इंप्लीमेंट जब होता है तब आती है इसके इंप्लीमेंटेशन की बात, क्योंकि द मैटर विच इज रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट एंड द असेसी इंटरप्रीट मे हैव अ डिफरेंट इंप्लीकेशन, और इसी के लिए इसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है. इंटरप्रिटेशन के लिए या इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए क्या क्या किया गया है. सबसे पहली बात, सीआईटी अपील्स रखे गए हैं, जहां पे इनिशियल लेवल पे फर्स्ट जुडिशियरी अथॉरिटी सीआईटी अपील्स रखा गया है. देन वी हैव आईटीएटीज विच इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, राइट, विच इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी As good as the power of courts, हालांकि imprisonment को ITAT provide नहीं कर सकता. Then we have courts. Courts भी क्या करता है? Interpretations करते हैं. अब समझते हैं पूरा law का parameter work कैसे करता है. क्या सपना आता है हर साल अमेंडमेंट कैसे होगा, इसकी लिंक अब मैं यहां से जोड़ रहा हूं. जरा ध्यान से सुनिएगा, हर साल अमेंडमेंट कैसे होते हैं इसकी लिंक अब मैं यहां से आपको जोड़ने जा रहा हूं. सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रेटर्स की. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स. ट्राइब्यूनल्स आर द लास्ट अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स. अंडरस्टैंड, वेन एवर इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन, ये डिडक्शन अलाउ है या नहीं अलाउ है, ये फैक्ट्स का डिटरमिनेशन हो गया. इसके लिए लास्ट अथॉरिटी आईटीएटी, हम इसे कहते हैं आईटीएटी, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल. एक चैप्टर आएगा आगे अपील, वहां पे हम इसके पावर्स एंड अथॉरिटी डिस्कस करेंगे. आईटीएटी के ऊपर है हाई कोर्ट. अ पर्सन कैन विजिट हाई कोर्ट ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ लॉ. अगर एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इसके अगर दो मीनिंग निकल सकते हैं तो ही हाईकोर्ट इस चीज को अडॉप्ट करेगा. हाईकोर्ट सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करता है, याद रखिएगा. हाईकोर्ट जब भी आप जाते हैं, जो एप्लीकेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं रिट पिटीशन. क्या कहते हैं, वापस से बोलिए, रिट पिटीशन. तो आप हाईकोर्ट में जाकर के आप रिट पिटीशन अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ हाईकोर्ट थिंक्स दैट यस इट इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन एंड ओनली देन हाईकोर्ट विल एक्सेप्ट इट. अदरवाइज आईटीएटी इज द लास्ट अथॉरिटी. इस बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे अपील नाम के चैप्टर के अंदर में. फिर आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मैटर जा रहा है, इसका मतलब इट इज अ क्वेश्चन विच हैज बीन फ्रेम्ड बाय हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर दे तो ही वो मैटर कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में हम जब भी जाते हैं हम स्पेशल लीव पिटीशन डालते हैं. हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन. ये बात याद रखिएगा, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाला जाता है. चेक करते हैं सर, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है, दिस विल बिकेम द लॉ. This will become the law. This has been in Article 134, read with 136. आइए
Supreme Court can accept the case when High Court grants the certificate of fitness as per 134A. तो High Supreme Court में आप कब जा सकते हैं? Supreme Court में आप तभी जा सकते हैं जब High Court certificate of fitness grant कर दे. Yes, this is a question of law. जब ये High Court कह दे तो वो Supreme Court में जा सकता है. या फिर अगर आपके fundamental right affect हो रहे होंगे तो you can file a special leave petition as given in Article 136 to the Indian Constitution. हाई कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड. तो सर आपके केस में क्या होता है, हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं तो रिट पिटीशन फाइल्ड होता है. अब मैं आपको बताता हूं लॉ का फ्रेमिंग किस तरीके से होता है. सबसे पहले लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट किया. इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट करने के बाद जब इंटरप्रिटर इसे इंटरप्रिट करता है एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर जजमेंट दे देता है तो ये एज गुड एज लॉ बन जाता है. मतलब वापस से आपको पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. जुडिशियल पावर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट जो लॉ दे देता है इट बिकेम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और ये एक एक्ट बन जाता है, एज गुड एज एक्ट बन जाता है. साथ ही साथ में कई बार हाई कोर्ट जजमेंट आते हैं. मैं आपको बताता हूं लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट किया, इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट किया. अब कई बार जजमेंट्स आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, नागपुर हाई कोर्ट जजमेंट, पुणे हाई कोर्ट जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, ऐसे हाई कोर्ट जजमेंट आते हैं. और कुछ हाई कोर्ट जजमेंट जो बहुत अच्छे होते हैं, जो यू नो रियली एक इशू क्रिएट करते हैं, नए इशू को एड्रेस करते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर के अमेंडमेंट्स में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. या अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये लूपहोल होता है तो ये किसके अंदर में ऐड हो जाता है, नेक्स्ट ईयर के अमेंडमेंट्स के अंदर में ऐड कर दिया जाता है. तो ये थे सर जुडिशियल अपडेट. सवाल उठता है क्या हर कोर्ट केस हमारे काम का है क्या? आंसर इज नो. जुडिशियल अपडेट्स इंस्टीट्यूट हर बार निकालता है. देखिए केसेस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग हाईकोर्ट के अंदर में केसेस होते हैं, लेकिन क्या हमें वो सारे केसेस पढ़ने हैं? आंसर इज नो. हमें सिर्फ उतने ही केसेस होते हैं जो बहुत रेलेवेंट हो, जो बुक्स के अंदर में दिए होंगे ऑब्वियसली, प्लस साथ साथ में कुछ जुडिशियल अपडेट्स क्या होते हैं. इंस्टीट्यूट हर बार एक बुक निकालता है जुडिशियल अपडेट्स, ये जुडिशियल अपडेट्स हमें पढ़ने होते हैं. हालांकि ये जो जुडिशियल अपडेट्स होते हैं ये आरटीपी के साथ रिलीज होते हैं, यस और नो? तो ऐसे केसेस में कुछ केस लॉज हम लोग ऑलरेडी बुक के साथ पढ़ लेंगे और बचे हुए जुडिशियल अपडेट्स जो होंगे इसका एक वीडियो मैं सेपरेटली बनाता हूं जो मैं हर बार यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा. और आपका जब भी अटेम्प्ट रहेगा अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स के साथ साथ मैं जुडिशियल अपडेट भी क्या कर दूंगा, वहां पर अपडेट कर दूंगा. अच्छा जी सर, आइए अब मैं यहीं से आपके अमेंडमेंट्स की लगाता हूं लिंक. हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961. जरा ध्यान से सुनिए, हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था इनकम टैक्स एक्ट 1961. पिछले दो घंटे से हम लोग क्या पढ़े जा रहे हैं? पिछले दो घंटे से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पढ़े जा रहे हैं, वो है एक्ट. हाँ, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे आया, एक्ट और रूल्स क्या होंगे, एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर किस तरीके से आएगा, एक्ट की लेबिलिटी किस तरीके से होती है, लॉ बनाता कौन है, इंटरप्रेट कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है. पिछले दो घंटे से मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड पे एक्सप्रेशंस दे रहा था और वो था एक्ट. हमें इतना डीप जाना है. अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, टैक्स. इसका कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट हम लोग अब पढ़ेंगे. टैक्स की अगर मैं बात करूं, वी ऑल नो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज ऑफ पर्सनल नेचर, वेयर इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑफ इम्पर्सनल नेचर. फाइनल लेवल पे अब मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली भी देख चुके होंगे. डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय पर्सन डायरेक्टली, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन एंड पेड टू गवर्नमेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, हमने टैक्स का मीनिंग समझा, हमने सरचार्ज का मीनिंग भी समझा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी समझी और हमने एचईसी को भी समझ लिया. यानी एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट ये हो गया. तीसरा पार्ट जो आपको समझना है, टैक्स और ड्यूटीज के अंदर में क्या फर्क है. देखिए कई जगह पे आप लोगों ने ये वर्ड देखा होगा टैक्सेस, कई जगह पे वर्ड देखा होगा ड्यूटीज. सो टैक्सेस और ड्यूटीज के बीच में क्या फर्क है, याद रखिएगा, टैक्सेस इन इज ऑन इनकम व्हाइल ड्यूटीज इज ऑन गुड्स एंड अदर देन इनकम, मे बी अ सर्विस और अदरवाइज.
सो जहां सब्जेक्ट मैटर, जहां सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, जहां सब्जेक्ट मैटर गुड्स है वहां पे हम लोग ड्यूटीज वर्ड यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल गुड्स लेके आए या गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, वी इंपोज कस्टम ड्यूटी. तो जहां सब्जेक्ट मैटर गुड्स है वहां हम लोग क्या करेंगे, ड्यूटीज लगाएंगे. जहां सब्जेक्ट मैटर गुड्स नहीं है, मे बी इनकम है, वहां हम क्या लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे. अच्छा सर, सर टैक्सेस की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, सीबीडीटी. मैं आपको बताता हूं सीबीडीटी कितने तरीके के टैक्सेस में थी. ये सुनने लायक बात होगी, इनकम टैक्स जो आज भी लागू है, सीबीडीटी चार तरीके के टैक्स मेजरली हैंडल किया करती थी. ये समझना आपके लिए जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूं. पहला इनकम टैक्स जो आज भी लागू है 1961 से लेकर के टिल 2020 वी आर कंसीडरिंग इट, राइट, 2021 रादर. द सेकंड वाज गिफ्ट एक्ट. यस, गिफ्ट एक्ट वाज आल्सो अ डायरेक्ट टैक्स. लेटर ऑन गिफ्ट टैक्स वाज अबॉलिश्ड एंड इट बिकेम्स द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच वी लर्न इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में आज जो आप गिफ्ट के प्रोविजंस पढ़ते हैं, द प्रोविजंस गिवन इन सेक्शन 56-10 आर ऑफ गिफ्ट एक्ट विच इज नाउ अबॉलिश्ड. सो सीबीडीटी नो मोर टेक्स केयर ऑफ द गिफ्ट एक्ट. देन देर वॉज एन एक्ट यू माइट बी नोइंग, वेल्थ टैक्स एक्ट. Wealth Tax Act was also abolished. Wealth Tax Act was also abolished and technically it was a draconian act. It was a draconian act. Income tax के अलावा wealth tax भी देना पड़ता था, और ये किसी का मतलब अगर किसी को wealth मिल गई तो ये बहुत ज्यादा draconian act था. बहुत अच्छा किया कि wealth tax act को हटा दिया गया. There was, मतलब आपको surprise होगा सुन करके, estate duty. दुनिया में इससे ज्यादा भयंकर टैक्स कभी नहीं लगा था. इंडिया में एक समय था जब एस्टेट ड्यूटी लगा करती थी. आपको पता है ये काय के ऊपर था, मरने के ऊपर टैक्स था सर. हाँ, यस, इट वाज अ टैक्स विच इज ऑन डेथ. कैसे, मैं आपको समझाता हूं ये कैसे लगता था. खैर अभी तो ये भी अबॉलिश हो चुका है तो आपको अब इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देना. तो एज ऑफ नाउ सीबीडीटी जो टैक्स कलेक्ट करता है वो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कवर किया जा रहा है. तो एस्टेट ड्यूटी कैसा टैक्स था, मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स और इसने जिंदगी भर मेहनत करके कुछ वेल्थ अक्यूमुलेट करी, कुछ क्या करी, वेल्थ अक्यूमुलेट करी. उस टाइम पे समझिए होता क्या था, राइट, वो इसके ऊपर जब इनकम कमाता था इनकम टैक्स देता था, अगर इसकी वेल्थ एक लिमिट के ऊपर चले गई वो वेल्थ टैक्स देता था, यानी दो बार वो सेम मरता था. इसके बाद जब भी वो गुजर जाता था ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में उसके बच्चे को जाती थी. जब भी ये वेल्थ इनहेरिटेंस में किसी को चल जाती थी, उस व्यक्ति को जिसको ये इनहेरिटेंस में मिली है उसको एस्टेट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. मतलब कोई गुजरा है तो उसके मरने के ऊपर भी क्या होता था, टैक्स पे करना पड़ता था अगर उसकी प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो. तो ऐसा भी एक एक्ट भारत ने रखा था, एस्टेट ड्यूटी एक्ट. यू नो आप गूगल कीजिएगा आपको पता चलेगा कि इंडिया में ऐसा भी रहा है कि हम लोगों ने एस्टेट ड्यूटी टैक्स भरा है. तो ये उस टाइम की चीज थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ऐसा होता था कि लेट से किसी ने 100 कमाए, लेट से एस्टेट ड्यूटी 10% है, तो जब वो दूसरे के हाथ में आती थी ले दे के 90 रह जाती थी, वो मर गया तीसरे के हाथ में जाती थी 80 रह जाती थी. यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी ने अगर वेल्थ अकॉम्प्लिश भी की है तो वो कम कम होते जाती थी बिकॉज ऑफ दिस ड्रकोनियन एक्ट. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया. यानी आज कुल मिलाकर के सीबीडीटी के हाथ में सबसे बड़ा जो भार है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, इनकम टैक्स का. आइए कुछ और बातें करते हैं टैक्स से रिलेटेड. डीटीसी, पिछले दिनों बात चालू थी कि बॉस डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाएगा और डायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. इन 2010 इट वाज फर्स्ट थॉट बाय मनमोहन सिंह सरकार दैट वी विल ब्रिंग इन डीटीसी. इन 2014 व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर, अरुण जेटली द देन फाइनेंस मिनिस्टर, अरुण जेटली साहब द देन फाइनेंस मिनिस्टर सेड वी विल नॉट ब्रिंग इन डायरेक्ट टैक्स कोड एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड आर बीन एप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट एंड द डायरेक्ट टैक्स कोड वाज स्क्रैप्ड एंड एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स हैड मेड ह्यूज चेंजेस. Later on, again in 2018, there was news that Nirmala Sitharaman ji will again bring in the new DTC with the appropriate changes. Later on, she also denied that DTC will not be bringing into law and the appropriate changes will be brought in by income tax only.
अगर आपको ये शक है कि 2021-2022 के अंदर तक के डीटीसी आ सकता है, तो इस बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने ही इसे क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए, सो टैक्सेस की अगर हम बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सरचार्ज एंड सेस लगता है जब भी हम लोग बात करते हैं, राइट। टैक्सेस एंड ड्यूटीज इसके अंदर में की जाती है। सीबीडीटी के पास पहले चार चीजें थी टैक्सेस के नाम पे, एज ऑफ नाउ उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, इनकम टैक्स ही बचा है और कुछ नहीं बचा। अब आते हैं हम थर्ड वर्ड के ऊपर, आज के थर्ड वर्ड के ऊपर। हमें चार वर्ड पढ़ने थे साहब, आज का टारगेट था चार वर्ड पढ़ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने एक्ट बहुत डीप में पढ़ लिया, टैक्स वर्ड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम 1961। यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन, व्हाई द लॉ ऑफ 1961 आई एम लर्निंग इट इन 2020-21। मतलब 1961 का लॉ मैं 2020-2021 में पढ़ रहा हूं, क्या लॉजिक है? 2 साल पुराना मैं शर्ट नहीं पहनता, 2 साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता, 2 साल पुरानी। तो 1961 का लॉ 2020-21 में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज अमेंडमेंट, लॉजिक इज अमेंडमेंट। लेट अस डिस्कस अमेंडमेंट एंड इट्स इफेक्ट इन द इनकम टैक्स। चलो अंडरस्टैंड करते हैं मालिक, अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट्स कहां से आते हैं हर साल? अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन बाय बजट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होल मैकेनिक्स बिहाइंड द अमेंडमेंट। कैसे पता चलता है इन सीबीडीटी वालों को कि कुछ अमेंडमेंट करना है? क्या इन्हें रात में सपने में आता है, जैसे सपने में सो रहे हैं, इनकम टैक्स देवी आई, सुनो ना, उठो ना, आपको ना इस साल ही अमेंडमेंट करना है? क्या इनके सपने में आता होगा कि क्या अमेंडमेंट करना है? आंसर इज नो, इनके सपने में नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं पूरा मशीनरी वर्क कैसे करता है। लॉ मेकर ने लॉ लेकर के आ गया, इंप्लीमेंटर ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया। अब क्या होता है, इंप्लीमेंट करते वक्त इन्हें कई बार डिफिकल्टीज समझ में आती है। इंप्लीमेंट करते वक्त जब असेसमेंट्स करते रहते हैं तब इन्हें समझ में आता है दैट देयर आर लूप होल्स इन व्हाट टैक्सेशन। तो पहला तरीका क्या होता है कि खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं किसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कि दैट देयर शुड बी एन अमेंडमेंट, देयर आर प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द अमेंडमेंट। सो द फर्स्ट थिंग हाउ अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन इज, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कैसे पता चलता है? सबसे पहले पता चलता है सर डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन से, डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन मिलते हैं। दूसरा, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कोर्ट प्रोनाउंसिंग्स, कई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं यहां से हमें पता चलता है कि बॉस कोर्ट इसका क्या इंटरप्रिटेशन ले रही है और लॉ का इंटेंशन क्या है। एंड मेनी टाइम वी हैव सीन दैट कोर्ट ने अगर कुछ गलत कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया विच लॉ डिडेंट हैव टू बी मेंट, ऐसे केसेस में क्या किया गया, लॉ को अमेंड भी किया गया है। यस सर, क्या एक सवाल उठता है इसी से, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर रूल किया जा सकता है? एक सवाल बहुत बड़ा है, क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवर रूल किया जा सकता है? आंसर इज यस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी इंडिया में ओवर रूल हुए हैं बाय ब्रिंगिंग अ अमेंडमेंट इन लॉ। यस, वोडाफोन इज वन सच केस जिस केस में ऐसा हुआ है, सहारा इंडिया का केस एक ऐसा केस है जिस केस में ऐसा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे केस है जिसमें ऐसा हुआ है। सो कोर्ट्स के जजमेंट से कई बार क्या होता है, अमेंडमेंट्स के बारे में पता चलता है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्या करना है, करने हैं इस साल, अमेंडमेंट्स करने हैं, डिपार्टमेंट को पता चलता है। और कहां से पता चलता है, सबसे बड़ा टैक्स प्लानिंग, ये है सबसे बड़ा रीजन किसी भी अमेंडमेंट का। लॉ बनता है उसे तोड़ने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं और इस रास्तों को फिल करने के लिए अगेन अमेंडमेंट बनता है। बिलीव मी, मैं आगे चल के आपको यकीन दिला दूंगा, आधे से ज्यादा इनकम टैक्स जो वास्ट हुआ है ये हम लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी टैक्स प्लानिंग करी है, हम मतलब आप समझ लीजिए, हम लोगों ने इतनी टैक्स प्लानिंग करी है जिसके कारण ये हुआ है। हालांकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग विद इन द ब्रैकेट ऑफ लॉ इज ऑलरेडी ऑलवेज गुड, टैक्स इवेजन इज नॉट गुड, टैक्स प्लानिंग इज ऑलवेज गुड। तो ऐसे केसेस में टैक्स प्लानिंग ये रीजन था जहां पे कई बार आपको डिपार्टमेंट को पता चल जाता है दैट दिस इज हाउ रेवेन्यू हैज बीन एस्केप्ड एंड दिस इज द रीजन व्हाई अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट इन। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, यस, समय की मांग बोलती है कि अमेंडमेंट करना है। सर ये बात समझाइए, मैं आपको बताता हूं रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। टिल
2019 आपके ऑफिस में देखा होगा आपने, टिल 2019 द ओनली पेमेंट सिस्टम वॉज कैश, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेक, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम NEFT RTGS, दिस हैज बीन अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड. लास्ट ईयर व्हेन इन 2016 2016 जब क्या किया गया, नोटबंदी लाई गई. 2016 जब नोटबंदी लाई गई उस टाइम पे ई पेमेंट्स का चलन बढ़ गया और लोग अपने गूगल पे से पे करने लग गए, पेटीएम से पे करने लग गए और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पे करने लग गए. अब प्रॉब्लम क्या हुई जिसको अमेंडमेंट हुआ, मैं आपको बताता हूं. प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग अब गूगल से पेमेंट करते थे. नाउ एक्चुअली व्हेन यू पेड फ्रॉम गूगल, यू एक्चुअली पेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यू एक्चुअली पेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. नाउ व्हेन यू रीड द प्रोविजंस ऑफ 40A3, इट एक्चुअली राइट्स एनी पेमेंट मेड बियॉन्ड 10,000 रुपीज विल बी डिसअलाउड इफ इट इज नॉट पेड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ECS. नाउ व्हाट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वॉज व्हेन आई एम पेइंग थ्रू माई गूगल अकाउंट और आई एम पेइंग थ्रू माई पेटीएम अकाउंट, द इशू इज कि ये तो वर्ड वहां लिखे ही नहीं थे. वहां तो क्या क्या लिखा था? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS. ECS के अंदर में NEFT और RTGS आता है. अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट तो कवर ही नहीं किया गया था. सरकार को यह बात समझ में आई एंड दे ब्रॉट अ ह्यूज चेंजेस इन मल्टीपल ऑफ द सेक्शंस इन द ईयर 2019, वेर इन जहां जहां पे भी अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS लिखा था उसके आगे उन्होंने ऐड करके लिख दिया अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो दैट वॉज द नीड ऑफ टाइम बिकॉज नाउ इट इज वी टेंड टू पे. अब इस COVID-19 की सिचुएशन के अंदर में आप देखिए ना, आप तो खुद नोटों में भी डील करने से डर रहे होंगे, आप गूगल दूर से पेमेंट करने का. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग इज द नीड ऑफ टाइम, जिसके कारण क्या आता है, अमेंडमेंट आता है. एंड लास्ट न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. सरकार के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके कारण अमेंडमेंट लाना जरूरी होता है. एक छोटा सा एग्जांपल, इन 2019 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज शिफ्टेड टू ई असेसमेंट रादर देन पेपर बेस्ड असेसमेंट. अब तक के जो असेसमेंट होते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने किए जाते थे और 2019 से हम लोग शिफ्ट हो गए ई असेसमेंट्स के ऊपर और ई असेसमेंट इज नाउ द फ्यूचर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और इसी के लिए ऑलरेडी, जब से ई असेसमेंट आए भी नहीं थे, 2018 से ही ई असेसमेंट के प्रोविजंस ला लिए गए थे इनकम टैक्स में, वेल बिफोर ब्रिंगिंग एक्चुअली द ई असेसमेंट कंसेप्ट. व्हाट इज दैट? कई बार फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किए जाते हैं, पहले से अमेंडमेंट लाए जाते हैं. सो ये थे कुछ रीजन अमेंडमेंट्स आते कहां कहां से, कैसे पता चलता है अमेंडमेंट्स आते हैं. अब अमेंडमेंट शो कहां किए जाते हैं? अमेंडमेंट शो किए जाते हैं सब बजट के अंदर में. मेरा पहला सवाल, और ये सवाल टेक महिंद्रा के इंटरव्यूज में भी पूछा है, सेम सवाल इंफोसिस के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है, मैं वो सवाल आपसे पूछता हूं, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? आपका जवाब फाइनेंस एक्ट. बिल्कुल गलत जवाब है सर, बिल्कुल गलत जवाब है. और अब कीजिए गूगल, आपको पता चलेगा बजट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंस एक्ट. माइंड माय वर्ड्स, बजट इज प्रिपेयर्ड, ध्यान से सुनना, लिखिए बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. यस, बजट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंस एक्ट, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. कभी बजट आपने देखा है? जरा ध्यान से सुनिए, जब बजट आता है तो बजट के अंदर में सिर्फ टैक्स नहीं होता कि उसमें फाइनेंस एक्ट की पार्ट हो, उसके अंदर में कई सेक्टर्स कवर किए जाते हैं. यस, उसके अंदर में कई सेक्टर्स कवर किए जाते हैं और सेक्टर्स के थ्रू आपको पता चलता है कि ये बजट है जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री की डिटेल कवर होती है. इसका जो फाइनेंस पोर्शन है, ध्यान से सुनना, इसका जो फाइनेंस पोर्शन, इसको अलग शब्दों में FRBM एक्ट भी कहते हैं. जो जो लोग CPT के थ्रू फाइनल में आए हैं, तुमने तो अपने आप को सच में
एक झापड़ मारना चाहिए। हाँ ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करना चाहिए आपने लाइफ में। सर क्यों ऐसे ऐसे प्यार से मारने का? बोलने का बेटा सीपीटी के इकोनॉमिक टॉपिक के अंदर में ये था। यस सीपीटी के इकोनॉमिक चैप इकोनॉमिक टॉपिक के अंदर में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हालांकि सीधी सी बात है आप भूल चुके होंगे, पर अब याद रखना क्या पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जा सकती है। बजट का जो फाइनेंस पोर्शन होता है इसे अप्रूवल मिलने के बाद फाइनेंस एक्ट का पार्ट बना दिया जाता है। यस सो इसका फाइनेंस पोर्शन ध्यान से सुनना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। फाइनेंस पोर्शन इज एडेड इन फाइनेंस एक्ट। ठीक है, बजट के अंदर में दो तरीके के अमेंडमेंट आते हैं। ध्यान से सुनिए, बजट के अंदर में दो तरीके के अमेंडमेंट आते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होते हैं। हाँ जी, तो जब भी आप बजट देखेंगे, बजट का जो टैक्सेशन वाला पार्ट होता है इसके अंदर में दो तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं, मेजरली डायरेक्ट टैक्सेस के और इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी आते हैं। जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जीएसटी में अब जीएसटी इज अ मनी बिल, तो वो काउंसिल की जब जब मीट होती है तब तब जीएसटी चेंज होता है। राइट, तो जीएसटी इज जनरली चेंज इन एवरी सिक्स मंथ, बट डीटी इज नॉट जनरली चेंज इन एवरी सिक्स मंथ। ध्यान से सुनिए, अब डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट अप्लाई कब से करते हैं? ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट अप्लाई कब से करते हैं? इट इज अप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से अप्लाई करते हैं? सर डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट अप्लाई करते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स अप्लाई करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से अप्लाई करते हैं? सर इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट मिडनाइट से अप्लाई करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये वाला पार्ट ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले बजट प्रिपेयर होता है। बजट प्रिपेयर होता है किन किन रीजंस की वजह से, हमने वो लिखा है। राइट, बजट प्रिपेयर होता है इन रीजंस की वजह से। बजट प्रिपेयर होता है अंडर द एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत। इसका जो फाइनेंस पोर्शन होता है ये फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या कर दिया जाता है, एड कर दिया जाता है। जब भी बजट आता है बजट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट देता है। डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट होते हैं वो मिडनाइट से अप्लाई करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जस्ट लाइक अ पेट्रोल प्राइसेस, वो उस मिडनाइट से ही क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब आते हैं बाबू बड़े काम की चीज, ध्यान से सुनना। इसीलिए अब आप अप्रिशिएट करेंगे साहब, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो को। अब आएगा तुमको सॉलिड मजा। आपसे एक सवाल पूछा था कुछ देर पहले, क्या सवाल था जरा सवाल रिपीट कीजिएगा। एक्ट 1961 रूल्स 1962 क्यों, यह है उसका जवाब। मैं बताता हूं कैसे। एक्ट का मतलब क्या था बेटा, कंटेन्स प्रोविजन ऑफ लॉ। रूल्स का मतलब क्या था बेटा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जो बजट फाइनेंस एक्ट 2020 आया होगा ये कब अप्लाई करेगा, प्रैक्टिकली अप्लाई कब करेगा, ये लागू तो 1/4/2020 से हो जाएगा, लेकिन द होल इनकम टैक्स इज रिटर्न इन द असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। हमें असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट करना है, हेंस फाइनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल ऑन May 2021 अटेम्प्ट एज वेल एज November 2021 अटेम्प्ट। इसीलिए मैंने कहा ये जो रिकॉर्डिंग है ये May 2021 एज वेल एज November 2021 दोनों के लिए है। Why? Because फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल। फाइनेंस एक्ट 20 जो आया है इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, 1/4/2020, बट द होल इनकम टैक्स इज रिटर्न इन असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। हम असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए फाइनेंस एक्ट 20 आपको कब अप्लाई करेगा, May 2021 एज वेल एज November 2021। अब अप्लाई कीजिए वाई एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962। एक्ट तो 1961 में ही आ गया था, अप्लाई कब से होगा, नेक्स्ट ईयर 1962। हेंस एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962। दिस इज प्योर लॉजिक। नहीं तो आप सोचिए ना क्या लॉजिक था, एक्ट 1961 में आ गया और रूल्स आप अगले साल लेकर के आ रहे हो, ऐसा नहीं है। पूरा इनकम टैक्स आप जब भी पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो हम इनकम कमाते हैं और उस पर टैक्स कब पे करते हैं, असेसमेंट ईयर में। इसीलिए जब आप इनकम टैक्स की लैंग्वेज पढ़ेंगे, बेर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज के अंदर में लिखा है। हेंस जब भी अमेंडमेंट आता है इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो नेक्स्ट ईयर से होती है। अगर आपको बहुत ईजी शब्दों में समझाऊं तो
जरा ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 2020 आया, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? 1/4/2020 टू 31/3/2020, इसकी एप्लीकेबिलिटी यहीं से हो जाएगी। बट क्या आप यहां पे टैक्स पे करेंगे? क्या नहीं, आप यहां पे क्या करेंगे, इनकम कमाएंगे। और उसका टैक्स कब पे करेंगे? इसका टैक्स आप पे करेंगे 21/22, इसीलिए आपका असेसमेंट ईयर क्या बना? 21/22 आपका क्या बन गया? असेसमेंट ईयर बन गया। 2021 आपका प्रीवियस ईयर बन गया और 21/22 आपका असेसमेंट ईयर बन गया। ये अब कॉमनली आपको याद रखना है इन द होल चैप्टर। मजा आया? और अगर आया होगा तो आपने डिसीजन बिल्कुल सही लिया है, और ऐसा डेली होगा। सो ध्यान से सुनिएगा, बजट आया, बजट कौन से एक्ट के हिसाब से आया? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका फाइनेंस पोर्शन निकला, इसका फाइनेंस पोर्शन निकला और फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, राइट। इसमें दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आई मीन कस्टम, जीएसटी के मनी बिल के तहत हर बार आते हैं, जब जब भी जीएसटी काउंसिल मीट होगी। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट जो होते हैं वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है। तो फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल होगा कब के लिए? 21 एंड नवंबर 21 के लिए। जो फाइनेंस एक्ट 21 आएगा, क्या वो मेरे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, वो 22 के लिए एप्लीकेबल होगा। मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो सर अगर मैंने मई 21 का लेक्चर देख ले, मैं गलती से फेल हो गया, नवंबर 21 में चले गया, क्या मुझे फिर से लेक्चर लेने पड़ेंगे आपके? ना मुन्ना ना, आपको कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, आपको सेम बिल्कुल चल जाएगा। फाइनेंस एक्ट क्या है? सेम है, सिर्फ नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जुडिशियल अपडेट जो आए होंगे 6 महीने के, वो आपको क्या करने होंगे? पढ़ने होंगे। अदरवाइज आपको कुछ बदलेगा क्या? अदरवाइज कुछ नहीं बदलेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई ऑर्डिनेंस ना आ जाए। गेटिंग इट और नॉट? पूरा 2-2.5 घंटा लगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए, वाई एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962 मालिक। जब इस डीप में जाके पढ़ोगे तब तुमको लगेगा कि बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है लाइफ के अंदर में, और इतनी ही डेप्थ तुमको रिक्वायर है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में, इतना ही डेप्थ तुमको रिक्वायर है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में। और उसी डीप में हमको जाना है, एक एक सबसेक्शन अलग अलग पढ़ना है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें पढ़नी है। रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। 1961 का लॉ मैं 2020-21 में पढ़ रहा हूं, क्या लॉजिक है? अमेंडमेंट, एक्ट नहीं बदल रहा, एक्ट में जरूरतों के हिसाब से, हर बार जरूरतों के हिसाब से क्या आ रहे हैं? अमेंडमेंट आ रहे हैं। ये अमेंडमेंट कब लागू होते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से क्या कर दिए जाते हैं? लागू कर दिए जाते हैं, और ये मेरे ऊपर क्या है? एप्लीकेबल है। सो द अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड द होल इनकम टैक्स इज रिटर्न इन द असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। ध्यान से सुनिए, बजट, सर बजट मुझे पढ़ना है। लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट बजट के अंदर का ही मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं था, बजट के अंदर के नेक्स्ट पॉइंट। सर बजट कब आता है, कौन से दिन आता है? अर्लियर बिफोर अरुण जेटली साहब, द बजट यूज टू कम ऑन माई बर्थडे, दैट इज 28th of February। इट वॉज एन वेरी ओल्ड ब्रिटिश मेथड, लेटर ऑन अरुण जेटली साहब चेंज दिस एंड दे हैव स्टार्टेड प्रेजेंटिंग द बजट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, और हेंस फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी को अब क्या आने लग गए? बजट आने लग गए। दूसरी प्रथा उनने ये चेंज की कि रेल बजट और फाइनेंस बजट अलग अलग आता था, अरुण जेटली साहब ने यह प्रथा भी चेंज कर दी, 1 फरवरी के दिन रेल बजट और फाइनेंस बजट दोनों आएगा। अब ध्यान से सुनिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, एक होता है इंटरिम बजट और एक होता है फाइनल बजट। इंटरिम बजट कब आता है? इट इज इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, जिस साल इलेक्शन हो उस साल दो बजट आते हैं, इंटरिम बजट भी आता है और फाइनल बजट भी आता है। पर यू नो, लेट्स से द रीसेंट पास्ट एग्जांपल 2019, रीसेंट फ्यूचर एग्जांपल 2024। 2019 के अंदर में आप देखें तो आपको दो बजट मिले, इंटरिम बजट भी मिला और फाइनल बजट भी मिला। इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए प्रिपेयर होता है। यस, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 6 मंथ, इट इज प्रिपेयर्ड इन ओनली इन द ईयर व्हेन देयर आर इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं तभी ये प्रिपेयर किए जाते हैं,
और एक बार इलेक्शंस हो जाए तो नई सरकार आकर के अपना क्या करती है, बजट बनाती है। तो इट इज इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ एंड डिसीजंस आर वैलिड। इसके अंदर में जो डिसीजंस लिए गए हैं ये क्या डिसीजंस होते हैं, वैलिड डिसीजंस होते हैं। फाइनल फाइनल बजट एवरी ईयर, हर साल अदरवाइज जो बजट आता है ये क्या बनता है, फाइनल बजट बनता है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर होल ईयर। सो अगर इलेक्शन होंगे तो उस साल हमें दो बजट देखने को मिलेंगे, इंटरिम प्लस फाइनल। और अगर इलेक्शन नहीं है, जैसे 2020 इलेक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको एक ही बजट देखने को मिलता है। ये बजट कौन से दिन आता है, व्हाट इज द डेट ऑफ बजट, व्हाट इज द डेट ऑफ बजट, डेट ऑफ बजट इज 1 फरवरी। आपके लिए कौन सा था, 2020, तो आपके लिए जो बजट था वो था 1 फरवरी 2020। ये जो दो टाइप के बजट है, ये वाला पार्ट आप लोग लिख लीजिए साथ साथ में, जब आप बजट लिख रहे हैं ये वाला पार्ट जरूर लिखिए। अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताइए, ऑन 1 फरवरी 2020 आई डोंट नो वेयर आई वॉज अनेबल टू रीड द बजट, कैन आई नाउ रीड द बजट, कैन आई नाउ रीड द बजट, एंड हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर फॉर फाइनेंस एक्ट 20, मतलब फाइनेंस एक्ट 19 से फाइनेंस एक्ट 20 में मूव करते वक्त कितने अमेंडमेंट हुए हैं, बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए सर। देयर वेयर 104 अमेंडमेंट्स फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2019 टू फाइनेंस एक्ट 2020। मतलब अगर किसी ने नवंबर 2020 का एग्जाम दिया है और वो किसी रीजन वर्ष फेल हो जाता है, या फिर वो अपना किसी रीजन वर्ष एग्जाम नहीं दे पाता और उसका एग्जाम मई 21 में होता है, तो क्या उसे फाइनेंस एक्ट 20 पढ़ना पड़ेगा, आंसर इज यस। क्या उसकी बुक्स में चेंज आएगा, आंसर इज यस, बुक्स में चेंज आएगा, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 19 से फाइनेंस एक्ट 20 में मूव करते वक्त देर आर 104 अमेंडमेंट्स, मतलब पुराने लॉ से आपको 104 अमेंडमेंट्स पढ़ने होंगे। सर क्या ये अमेंडमेंट बहुत सब्सटेंशियल है, हाँ बहुत से अमेंडमेंट सब्सटेंशियल है, और कई टॉपिक जिसका स्पेसिफिक इम्पैक्ट सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल और सीएमए में आने वाला है, बहुत बड़े अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा जी सर, सर मुझे एक बात बताइए, किसी रीजन वर्ष मैं बजट नहीं देख पाया था जो 1 फरवरी को आया था, क्या मैं स्टिल बजट देख सकता हूं, आंसर इज यस। बजट आपको मिलेगा एक वेबसाइट के ऊपर, इंडिया बजट .nic.in, ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको मिल जाएगा साफ बजट, इंडिया बजट .nic.in, इस वेबसाइट पे जाइए, या यूनियन बजट .nic.in पे भी जाएंगे तो आपको वो वहीं डायरेक्ट करेगा। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे आपको बजट मिल जाएंगे, इनफैक्ट 2020 के ही नहीं, आपको कोई पुराने प्रीवियस ईयर्स के भी बजट देखने होंगे तो ये बजट आपको वहां पे मिल जाएंगे। इस तरीके से हम ढूंढते हैं बजट। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोफेशनल बन गए और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर दिन जो 1 फरवरी था उस दिन आप बजट नहीं देख पाए, क्या बाद में भी आप देख सकते हैं, यस। मैक्सिमम ऑफ पीपल, हर एक जन टीवी के सामने नहीं बैठता, हर प्रोफेशनल टीवी के सामने नहीं बैठता 1 फरवरी को देखने के लिए, इनफैक्ट वो शेयर ट्रेड करता रहता है उस टाइम पे। तो क्या होता है, बाद में वो डिटेल में बजट पढ़ता है, राइट। सो आप लोग के लिए मई 21 एंड नवंबर 21 कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, परफेक्ट, फाइनेंस एक्ट 20 आप लोग के लिए एप्लीकेबल है। और याद रखिए, पूरा इनकम टैक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, प्रीवियस ईयर की लैंग्वेज में है या असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में है, परफेक्ट, असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो 1961 का लॉ हम 2016 में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं सर, 1961 का लॉ हम 2000 में पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये है सर कि लॉ नहीं बदला, लॉ के अंदर में सूटेबली क्या आ गए, अमेंडमेंट आ गए। अमेंडमेंट कहां से आए, हर साल बजट से आते हैं। बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर होता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से प्रिपेयर होता है, डीटी एंड आईडीटी के अमेंडमेंट आते हैं, हेंस एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962। ये है सर पूरा का पूरा प्रोविजन,
हमें चार वर्ड पढ़ने थे सर आज, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने एक्ट का पूरा पढ़ा, टैक्स क्या होता है इसके ऊपर गए, टैक्स के अलग अलग पार्ट क्या गए, अभी तक हमने टैक्स कैलकुलेशन एंड अदर चीजों पे नहीं गए, हम जाएंगे उसके ऊपर, उसके पहले और भी बहुत सारे बेसिक पढ़ने हैं। फिर 1961 का लॉ हम अब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। अमेंडमेंट्स कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन से दिन आते हैं, कितने टाइप होते हैं, और यू नो और डिटेल के अंदर में चलेगा, और डीप चलेगा, और खोद दिया हमने। हाँ, अब बढ़ते हैं सर आगे। इनकम, इस वर्ड को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें पढ़नी होगी। आइए सर, इनकम वर्ड को पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो समथिंग फर्स्ट, यू मस्ट नो, लिखते जाइए रजिस्टर में, डिविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट किस तरीके से डिवाइड होता है, ये पार्ट आपको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। डिविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट किस तरीके से डिवाइड होता है। जनरली जब भी आप कोई एक्ट उठाएंगे, कोई भी एक्ट उठाएंगे, इन जनरल कोई भी लॉ उठाएंगे, देर विल बी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात पर कभी फोकस किया होगा, वेन यू वेर इन टू सीपीटी, वेन यू वेर इन टू आईपीसीसी, एवरी एक्ट स्टार्ट विद सेक्शन 2, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2A, देन अगेन इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 2। व्हाई देर वॉज नो सेक्शन 1? कभी सोचा है इस बारे में कि सेक्शन 1 कहां था, सेक्शन 1 कहां घूम गया था जब हम ये बातें कर रहे थे? मैं बताता हूं सर आपको, सेक्शन 1, अगर सेक्शन 1 किसी एक्ट में ना मिले तो आपको उसका मीनिंग समझना है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट इज रिगार्डेड एज सेक्शन 1। हर एक्ट का सेक्शन 1 हम यही मानते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक जगह पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था, हालांकि इसका क्रेडिट या प्रूफ मेरे पास नहीं है, बट एक जगह मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरे को पढ़ने का शौक है तो मैंने पढ़ा था, दैट इज वाई वी राइट SEC। मुझे इसके क्रेडिटेबिलिटी के बारे में नहीं पता है, SEC एंड हाउ सेक्शन वर्ड इज मेड, SEC एंड इनिशिएशन बिकेम सेक्शन। वॉट इज SEC? शॉर्ट टाइटल। एवरी सेक्शन विल हैव अ टाइटल, इट विल नॉट जस्ट हैव नंबर, सो यू विल ऑलवेज फाइंड 2A ऑफर, येस और नो, 143 असेसमेंट, सो यू विल हैव अ शॉर्ट टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। देन एक्सटेंट, द सेक्शन इट सेल्फ विल एक्सप्रेस टू हुम इट इज एप्लीकेबल एंड नॉट, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल SEC, सेक्शन विल इट सेल्फ स्पीक। देन कमेंसमेंट, एवरी सेक्शन विल हैव इट्स ओन कमेंसमेंट डेट, इफ कमेंसमेंट डेट इज नॉट गिवन, अंडरस्टैंड, इफ कमेंसमेंट डेट इज नॉट गिवन, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट बिकेम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो अगर सेक्शन की कोई कमेंसमेंट डेट नहीं दी हुई है तो हम ये मान लेते हैं कि जिस दिन से एक्ट आया था, फिर उस दिन से क्या किया गया, ये पर्टिकुलर सेक्शन को लाया गया है। सो सेक्शन 1 विल ऑलवेज बी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी राइट SEC बिफोर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। हालांकि ये सिर्फ मैंने पढ़ा था, अभी तो वेबसाइट का नाम भी याद नहीं है मेरे को, हालांकि ये सिर्फ पढ़ा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, देख करके तो लगता है हो सकता है इसका पीछे ये लॉजिक हो, पर इसकी क्रेडिटेबिलिटी नहीं है, तो मैं इसके आपको बहुत ज्यादा फोकस करने नहीं बोलूंगा। सेक्शन 2 विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज फाइंड सेक्शन 2 एज डेफिनेशन, डेफिनेशन, सेक्शन 2 विल, यू विल ऑलवेज फाइंड एज डेफिनेशन। डेफिनेशंस जितनी भी होती है ये सारी की सारी सेक्शन 2 के अंदर में दी हुई होती है, और इनकम टैक्स का भी सेक्शन 2 मैक्सिमम ऑफ द डेफिनेशंस कवर करता है। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज डिफाइन करनी हो तो वो स्पेसिफिक चैप्टर्स भी कवर करते हैं, स्टिल आपको डेफिनेशंस दी गई है। चैप्टर 3 जनरली, नॉट स्पेसिफिकली, स्कोप ऑफ एक्ट कवर करता है, हालांकि ये हर एक्ट में नहीं है, इनफैक्ट इनकम टैक्स में नहीं है, बट इन जनरल जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका सेक्शन 3 स्कोप ऑफ एक्ट बताता है कि इसका ओवरऑल स्कोप कितना है, क्या है, और किस तरीके से अप्लाई करेगा। तो जनरली डिविजन इस तरीके से होता है, तो वेन एवर द सेक्शन इज नॉट गिवन, यू विल अंडरस्टैंड इट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहां से हम चालू करते हैं सबसे पहला सेक्शन। देखिए, हमने चालू तो अब तक के तीसरा सेक्शन है ये, हमने स्टार्ट किया सेक्शन 295 से, फिर हम गए 298 पे, अब हम आ रहे हैं सेक्शन 1 के ऊपर। तो रजिस्टर में आइए, रजिस्टर के अंदर ही आपको लिखना है सेक्शन 1।
The act will be called as Income Tax Act 1961, it is applicable to whole of India and it shall came into force on 1st April 1962। अब जब आप सेक्शन वन पढ़ेंगे मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी कि थर्ड लाइन में क्या लिखा है। द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिर्फ इनकम वर्ड को छोड़ दें तो आपको पूरा पता होगा टैक्स का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, 1961 का लॉजिक क्या है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। किसको एप्लीकेबल है मालिक? होल ऑफ इंडिया। और सर जम्मू कश्मीर का 370 अभी हटाए, स्टिल इनकम टैक्स जब भी लाया गया था वो लैंड रेवेन्यू के नाम से लाया गया था। याद आ रहा है कुछ आपको? लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू का पावर जम्मू कश्मीर के अंदर में भी था। तो अभी आर्टिकल 370 हटा है तो उसका ये मतलब नहीं है, इनकम टैक्स आर्टिकल 370 था तो भी होल ऑफ इंडिया के ऊपर था। सो द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शेल केम इन टू फोर्स ऑन 1st April 1962। क्यों? बिकॉज इनकम टैक्स इज रिटर्न इन द होल असेसमेंट ईयर लैंग्वेज, हेंस 1961 में एक्ट आ गया था। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी? 1st April 1962 से आएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पार्ट काम का है? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बस इतना ही पार्ट काम का है। और इसीलिए हमने, अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नोट्स पेज नंबर वन, पेज नंबर 1.1 यहां आइए, यहां हमने इस सेक्शन को एक्सप्रेस किया हुआ है। द इनकम टैक्स एक्ट केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। इट हैज 23 चैप्टर्स एंड 298 सेक्शन एंड एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। सो एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, बस इतना काम का है वही रखा, 1962 से एप्लीकेबल है। एंट्री नंबर 82 एंड एंट्री नंबर 46 हम लोगों ने पढ़ लिया है, टैक्सेस ऑन इनकम। लेकिन इनकम वर्ड क्या होता है वो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया और अब हम उसके ऊपर जाएंगे। सो आप देख सकते हैं पेज नंबर वन पे हमने एक्सटेंड पढ़ लिया, हाउ लॉ वर्क हमने ये पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला पार्ट पढ़ लिया मालिक हम लोगों ने, आज 298 पढ़ा हम लोगों ने, 295 पढ़ा। हालांकि इसके सबसेक्शन टू को मैंने आपको बताया कि हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे अलग अलग जगह पे। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स हम लोगों ने पढ़ा, अब आते हैं एनुअल अमेंडमेंट्स के ऊपर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है बट इसको देखते हैं। एवरी ईयर अलॉन्ग विद बजट अ फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड, द प्रोविजन ऑफ सच फाइनेंस एक्ट देयर आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1st डे ऑफ नेक्स्ट ईयर unless specified otherwise, and indirect tax are applicable from midnight unless specified otherwise. GST के amendments GST council meet के बाद होंगे। साथ साथ में फाइनेंस एक्ट 20 आप लोगों को एप्लीकेबल है, तो फाइनेंस एक्ट 20 के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जितने भी अमेंडमेंट्स आप देखेंगे वो सब इसके ही इर्द गिर्द अराउंड घूमते हुए दिखेंगे। हालांकि ये पढ़ना आपके लिए काम का नहीं है, यहां आप एक चीज लिख सकते हैं अपने नोट्स में, फॉर मे ऑब्लिक नवंबर 21 फाइनेंस एक्ट 20 इज एप्लीकेबल। यहां पे बस इतना लिख के रख दीजिए। और ये अमेंडमेंट क्यों आया ये सिर्फ मैंने आपको यहां पे लिख करके दिया है, हालांकि इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। सो फॉर मे ऑब्लिक नवंबर 21 फाइनेंस एक्ट 20 इज एप्लीकेबल। फिर आते हैं सेक्शन वन पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1962, इट कंटेन 23 चैप्टर्स 298 सेक्शन एंड टोटल शेड्यूल इन द एक्ट इज 14। तो 14 शेड्यूल दिए हैं और अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं एक्ट के साथ साथ ही क्या मिलेगा आपको, शेड्यूल मिलेगा। और उसके पीछे क्या मिलेगा बेटा? अनेक्स्चर मिलेगा। ठीक है मालिक, एक मिनट रुकिए। इट इज डिवाइडेड इन 23 चैप्टर्स, और जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के काम नहीं आएगी, इनफैक्ट ये बुक आप अपने ऑफिसर्स में रखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोफेशनल कोर्सेज। क्यों मैं आपको बताता हूं, ये देखिए जब इस चैप्टर के एंड में जाएंगे आप पेज नंबर 31,
पहला ही चैप्टर आपको 31 पेजेस पे जा रहा है सर, आप ये समझिए इसका लेंथ कितना होगा। ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स देके रखा है ये, अगेन मैंने सिर्फ सेल्फ रीड के लिए देके रखा है ताकि आपको अगेन प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, क्योंकि हम उस डेप्थ में जा रहे हैं। 23 चैप्टर्स है, तो आपको पूरे 23 चैप्टर्स हमने यहाँ पे लिख के दिए हैं, आपको एक इंसाइट मिलेगा कौन से चैप्टर में क्या क्या है। जैसे चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी टाइटल्स एंड डेफिनेशंस दिया हुआ है, फिर चैप्टर 2 बेसिस ऑफ चार्ज चालू होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे 23 टॉपिक्स में क्या है और क्या नहीं है वो मैंने यहाँ पे आपको देके रखा है। इनफैक्ट उसके आगे एक लिस्ट भी बताई गई है कि यहाँ पे कितने सेक्शन से कितने सेक्शन तक कवर होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में प्रैक्टिस में बैठेंगे, आप ये बुक अगर सामने रख देंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ है। तो आपको अगर प्रैक्टिस में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढना है, आप यहाँ से वो सेक्शन देख सकेंगे, अकॉर्डिंगली उस चैप्टर में जाएंगे और जाकर के आप लोग वहां पे पढ़ पाएंगे। यानी इतना डिटेल्ड वर्क मैंने बुक के ऊपर किया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना आए, और आप इस बुक को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इसे क्या कर पाए, यूज कर पाए। हालांकि इसको याद करना है क्या, बिल्कुल याद मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, आज का जो भी लेक्चर है इसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही आपको यू नो याद रखने हैं जो एमसीक्यू पर्पस के लिए हो सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करने के लिए होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप बनेगा कि किस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ रहा है, एक एक लिंक आपकी आगे बढ़ रही है। 295, 298, 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रिलेवेंट नहीं, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट है। हालांकि एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया उसके बाद आप नहीं भी जाएंगे उन सेक्शन के अंदर में तो चलेगा। चलिए हम आते हैं आगे अपने चौथे वर्ड के ऊपर, द फोर्थ वर्ड इनकम। इनकम दो, द वर्ड इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224, टू सब सेक्शन 24, बट मैं आपको इनकम है या नहीं है इसको रिकॉग्नाइज करने का एक अलग तरीका बताऊंगा। नो डाउट यहां पे डेफिनेशंस दी हुई है और पूरी की पूरी डेफिनेशन दी हुई है, हालांकि ये डेफिनेशन को आपको बिल्कुल याद नहीं करना, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, बट एक कॉमन क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इज दिस काइंड ऑफ इनकम एन इनकम, इज दिस काइंड ऑफ रिसीट इज एन इनकम। इस सवाल को आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे अगर आप मुझे अगले 10 मिनट दे दे तो। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका इतना थ्रो बिल्डिंग करेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इनकम, इनकम मींस अ रिसीट, इनकम मींस अ रिसीट। लेकिन एक मंत्र अब मेरा याद रखिए, हर रिसीट इनकम नहीं होती। एक मंत्र बस मेरा याद कर लीजिए, हर रिसीट इनकम नहीं होती। आपको जब भी इनकम मिले आपको इसे दो रिसीट के कैटेगरी के अंदर में डालना होगा। जरा ध्यान से सुनिए, इनकम मींस अ रिसीट, बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम। इनकम मीन्स अ रिसीट बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम। एंड जब भी कोई आपको रिसीट होती है आपको इसे दो पार्ट के अंदर में क्या करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। ईदर इट इज अ कैपिटल रिसीट, लिखिए साथ साथ में, और इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। ईदर इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट और इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। इनकम मीन्स रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती, दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करना पड़ेगा। ईदर इट इज अ कैपिटल रिसीट और इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, कैपिटल रिसीट आर जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड। कैपिटल रिसीट्स आर जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स। कुछ कैपिटल रिसीट्स को क्या किया गया है, टैक्स किया गया है, और यही वो चीजें हैं जो हम देखते हैं कहाँ, इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन। जब हम कैपिटल गेन के चैप्टर में जाते हैं, कुछ चीजें जो कैपिटल असेट्स है और इनके ऊपर आने वाली रिसीट्स को हम क्या करते हैं, टैक्स करते हैं। तो जनरली जो कैपिटल रिसीट्स होती है ये टैक्स नहीं की जाती, और ये क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्ट नहीं टैक्सेबल ही नहीं होती है। सर तो कौन कौन सी कैटेगरी कैपिटल रिसीट के अंदर में आती है, सर मैं आपको बता दूं, चार चीजें कैपिटल रिसीट है। देर आर फोर रिसीप्ट विच आर कैपिटल इन नेचर, लोन,
लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट्स, ये चार चीजें कैपिटल रिसीट के नेचर में आती है। ध्यान से सुनिएगा, ये चार चीजें कैपिटल रिसीट के नेचर में आती है। लोन, अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत एक एक कंसेप्ट को बताता हूं मैं। लोन, लेट्स से मैंने मेरे फ्रेंड से 4 लाख रुपीज लोन ले लिया। लेट्स से विशाल सर से मैंने 4 लाख रुपए का लोन ले लिया, दर्शन सर से मैंने 4 लाख रुपए का लोन ले लिया। रिसीट हुई है, मेरे बैंक अकाउंट में है, पर इज इट एन इनकम और अ लोन? इट इज अ रिसीट, इट इज नॉट, इट इज अ लोन, इट इज रिसीट, इट इज अ लोन, बट इट इज नॉट अ इनकम। क्या इस 4 लाख के ऊपर मैं टैक्स भरू? नो, बिकॉज ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरे लिए लोन है, ये मेरे लिए इनकम नहीं है। इनकम इज रिसीट, बट एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम। सो लोन विल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम, लोन विल नॉट बी रिगार्डेड एज इनकम। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है 222E के अंदर में, जहां पे लोन को भी डीम डिविडेंट इनकम माना गया है। करेंगे आगे, एज ऑफ नाउ लोन इज नॉट एन इनकम। दूसरा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड एंड लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी ओनली, बट अदर लाइबिलिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट? लेट्स से इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? इट इज अ लाइबिलिटी, बट वी डू नॉट जनरली क्लासिफाई इट एज अ लोन। लोन मीन्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी। अब लेट्स से इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके मालिक क्या मिला? पैसा मिला, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके क्या मिला? पैसा मिला। नाउ लेट्स से येस बैंक, येस बैंक क्या ला रही है? एफपीओ लेकर के आ रही है। येस बैंक ने एफपीओ लेकर के आ गया, शेयर इशू किया, इसके बदले में रिसीट हुआ, पैसा मिला। इज इट एन इनकम? आंसर इज नो, हर रिसीट इनकम नहीं होती। एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम, इट इज एन अमाउंट विच इज नीड टू बी रिपेड बैक। सो लोन और लाइबिलिटी, इट इज अ रिसीट बट इट विल नॉट बी लाइबल टू टैक्स, इट विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट। थर्ड, कैपिटल। लेट्स से आई स्टार्टेड अ कंपनी एंड आई इन्फ्यूज माई ओन कैपिटल, लेट्स से 20 करोड़ रुपीज। नाउ बिजनेस एंड विजय आर टू सेपरेट एंटिटी। बिजनेस रिसीव 20 करोड़ रुपीज, इज इट एन इनकम टू बिजनेस? नो, इट इज अ रिसीप्ट, इट इज अ लाइबिलिटी। हालांकि आप अगर लाइबिलिटी का पार्ट देखें ओवरऑल, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कैपिटल, डिबेंचर, सिक्योर्ड्स एंड फिर अनसिक्योर्ड्स के अंदर में। तो ये लोन, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक ही दिखेगा, राइट? मैं प्रोपराइटर कैपिटल की बात कर रहा हूं। अब मैं कैपिटल डालता हूं, एज अ पार्टनर कैपिटल डालता हूं, क्या ये फर्म के लिए इनकम हो गया? ना मुन्ना ना, ये उनके लिए इनकम नहीं है, और इसी के लिए ये क्या बनता है? कैपिटल रिसीट बनता है और ये टैक्सेबल नहीं है, राइट? चौथा है पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर आने वाला इनकम आपका कभी भी टैक्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर की रद्दी बेच रहे हैं, आप अपने घर का सोफा बेच रहे हैं, अपने घर का टीवी बेच रहे हैं, आपने कभी देखा इसके ऊपर आपके डैड ने टैक्स पे किया है? नहीं। आप अपने घर का जो पर्सनल गाड़ी आप यूज कर रहे थे वो बेचा, गाड़ी आप बेच रहे थे, क्या इसके ऊपर टैक्स है? नहीं आ सकता साहब। क्यों? पर्सनल इफेक्ट, जो चीज आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या नहीं आता? टैक्स नहीं आता, इसे कैपिटल रिसीट माना गया है। हालांकि पर्सनल इफेक्ट हैज एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन हमें पढ़ने मिलेंगे कैपिटल गेन्स में। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज ज्वेलरी। ज्वेलरी भले ही आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, पर जब भी आप इसे बेचेंगे इस पे कैपिटल गेन आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, जनरली कैपिटल रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड। क्या हो सकता है? अंडर द चैप्टर कैपिटल गेन्स, इसको क्या किया जा सकता है? स्पेसिफिकली टैक्स किया जा सकता है। सो कैपिटल रिसीट्स जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली दे आर टैक्स। देर आर 4 रिसीट। जब भी आपको कोई पैसा मिले, आपको 4 चीजें सोचनी है। क्या मेरे लिए ये लोन है? क्या मेरे लिए ये लाइबिलिटी है? क्या मेरे लिए ये कैपिटल है? क्या मेरे लिए पर्सनल इफेक्ट है? अगर आंसर ना आए तो आपको ऑटोमेटिक जाएगा रेवेन्यू रिसीट। सो वॉट इज रेवेन्यू रिसीट? All receipts other than capital receipts. हर वो रिसीट जो कैपिटल रिसीट नहीं है उसको सीधा सीधे कॉन्सेप्ट में ला लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स के। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस डिडक्शन ऑब्लिक एग्जम्पशन इज गिवन।
सो ऑल रिसीट्स अदर देन कैपिटल रिसीट्स विल बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट. हम उसे क्या बोल देंगे मालिक, रेवेन्यू रिसीट बोल दे लेंगे. एंड दूसरी चीज रेवेन्यू रिसीट हर बार टैक्सेबल होगी अनलेस एंड अंटिल डिडक्शन और एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड. जब तक कि आप उसको डिडक्शन या एग्जम्पशन ना दे दे, हम इसको क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसीट ही कहेंगे. हम इसे क्या कहेंगे मालिक, रेवेन्यू रिसीट ही कहेंगे. ओ माई गॉड, यहां पर हमें और दो वर्ड मिल गए, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन. और मैं पूरी उम्मीद करता हूं इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं. आपको तो पता है मैं बहुत एवरेज बच्चा और मैं तो बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा. पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो यही अज्यूम करूंगा. मैं नहीं मानता आपने इंटर में टैक्स पढ़ा है, मेरे से ही क्यों ना पढ़ा हो, पर मैं नहीं मानता ना पढ़ा है, क्योंकि फाइनल लेवल का डेप्ट अलग है, इंटर लेवल तक का डेप्ट अलग है, फाइनल लेवल का डेप्ट मेरे भाई ऑल टुगेदर अलग है. अगर ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट है. आइए अब मैं इनकम से रिलेटेड कुछ लॉस आपको बता दूं. पहला, सम रूल्स, इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर. याद रखें, इनकम टैक्स में जरूरी नहीं है कि आपकी रेगुलर इनकम ही होनी चाहिए. ये इरेगुलर इनकम भी हुई तो ये टैक्स हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी लगना. लॉटरी लगना ये आपकी इनकम है, इट इज अ पार्ट ऑफ विनिंग. आप डेली तो नहीं जीतते होंगे, कभी कभार जीतते होंगे, तो जब आप जीते तब भी टैक्स किया जा सकता है. सो इनकम इस बेस पे नहीं है कि ये रेगुलर है या नहीं है, इनकम इस बेस पे है कि ये इनकम है या नहीं है. सो ये रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ऑल टुगेदर ये इनकम के अंदर में आएगी, आपको ये याद रखना है. दूसरा, इट मे बी लीगल और इलीगल. जी हाँ, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल. और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है, टी ए कुरेशी. क्या केस है मैं आपको बताता हूं. टी ए कुरेशी, ये केस इतना जबरदस्त था जिसने रेवेन्यू को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया. केस कुछ इस तरीके से था, दैट असेसिंग असेसी के कुछ गुड्स कस्टम के अंदर में फंस जाते हैं. कस्टम के अंदर में इन गुड्स को कॉन्फिसिकेट कर लिया जाता है, राइट. इसकी इनकम को कंसिडर किया जाता है और टैक्स किया जाता है. जब इसके इनकम टैक्स रिटर्न के भरने की बारी आती है, तब असेसी क्या करता है, जो गुड्स कस्टम के अंदर में पकड़े गए हैं ये उसको लॉस बोल करके इनकम टैक्स में क्लेम कर लेता है. असेसिंग ऑफिसर मना कर देता है कि ये जो तुम्हारे गुड्स पकड़े गए हैं कस्टम के अंदर में, मैं इसका डिडक्शन नहीं दूंगा. मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और असेसी अपना बस एक पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर आप मेरी इसे इनकम मान रहे हैं, अगर ये इलीगल है, आप इसी के लिए मेरा लॉस अलाउ नहीं कर रहे. अगर ये मेरी इलीगल एक्सपेंसेस है, अगर ये मेरा इलीगल लॉस है, तो इनकम भी फिर इलीगल हुई. आप इनकम को टैक्स कर रहे हैं और मुझे एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं कर रहे, ये तो गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को सही किया और एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया. और इसलिए इस जजमेंट का इंप्लीकेशन, इतना बड़ा इंप्लीकेशन आया कि आज अगर आपके इलीगल इनकम है तो इसे क्या किया जाएगा, इनकम में कंसिडर किया जाएगा. और तब से एक रूल बन गया, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल और इलीगल. इलीगल भी है, ये इनकम है. तो मान लीजिए स्मगलिंग करा, पैसे कमाए, क्या ये इनकम टैक्स के अंदर में टैक्सेबल होगा? यस. एक्सटॉर्शन मनी से पैसा आया, क्या ये इनकम टैक्स में कवर है? आंसर इज यस. तो जयकांत शिकरे का कोई इनकम होगा, क्या ये इनकम टैक्स के अंदर में कवर होगा? बिल्कुल कवर है सर. हवाला से कोई पैसा आया है, क्या ये इनकम कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इलीगल एक्टिविटी, किसी का मर्डर करके आपने पैसा कमाया, किसी के नाम की आपने सुपारी ली है, क्या ये इनकम टैक्स में कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इनकम टैक्स इज नथिंग टू डू विथ लीगल और इलीगल. अच्छा जी सर, इट जो इनकम है इनकम मे बी अर्नड और अक्रूड. इनकम अर्नड भी हो सकती है, आपने खुद होके कमाई भी हो सकती है, या अक्रूड भी हो सकती है. लेट्स से आपने अक्यूमुलेट पैसा रख दिया बैंक के अंदर में और इसके ऊपर आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया. दैट इंटरेस्ट इनकम जो अक्रूड इनकम बनती है, अर्नड के जगह ये वर्ड होता है अक्रूड. अक्रूड इनकम भी आपकी क्या बनेगी, इनकम बनेगी. और ये इनकम टैक्स के अंदर में क्या की जाएगी, टैक्स की जाएगी. तो सबसे पहले जब भी आपको सोचना है ये इनकम है या नहीं है, इनकम है या नहीं है, आपने सबसे पहले दिमाग लगाना चाहिए ये कौन सी रिसीट है, राइट. चलिए कुछ सवाल आपसे पूछता हूं. मान लीजिए एक असेसी ने अपनी किडनी बेच दी और पैसे आए, क्या ये इनकम है या नहीं है?
सोचिए जनाब, सोचिए, अपने दिल से पूछिए। एक आदमी ने अपनी किडनी बेच दी, किडनी बेच करके पैसे आए, क्या ये इनकम है या नहीं है? सोचिएगा। कुछ सोच पाए? आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी थी, आपने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए था, क्या ये लोन है? आपका जवाब आएगा नो। क्या ये लाइबिलिटी है? आपका जवाब आएगा नो। क्या ये कैपिटल है? आपका जवाब आएगा नो। पर चौथा, क्या ये आपका पर्सनल इफेक्ट है? आंसर इज यस। किडनी आपकी पर्सनल है मेरे भाई, किडनी आपकी पर्सनल है। आदमी ने किडनी बेची, पैसे आए, इज इट एन इनकम? इट इज अ रिसीट, बट भाई इट इज अ कैपिटल रिसीट एंड नॉट लाइबल टू टैक्स। इट इज अ रिसीट बट इट इज अ कैपिटल रिसीट नॉट लाइबल टू टैक्स। ये पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर में आ जाएगा मालिक, एंड हेंस इट इज नॉट लाइबल टू टैक्स। राइट सर, रस्ते से जा रहे थे, अचानक आपको 2000 का नोट मिलता है, क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? सवाल अगेन, इट इज अ लोन नो, लाइबिलिटी नो, कैपिटल नो, पर्सनल इफेक्ट्स नो, अल्टीमेटली रेवेन्यू रिसीट के अंदर में आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी गेन्स होते हैं, आपने सट्टा लगाया आईपीएल के अंदर में, मैचेस लगाई, सट्टा लगाया, पैसा आया, इज इट एन इनकम? लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये क्या बन गया? रेवेन्यू रिसीट बन गया। रेवेन्यू रिसीट है तो इट इज लाइबल टू टैक्स। रेवेन्यू रिसीट, इट इज लाइबल टू टैक्स अनलेस एग्जम्पशन और डिडक्शन इज गिवन, अनलेस एग्जम्पशन और डिडक्शन इज गिवन। तो जब तक के एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं दिया जाता, तब तक के ये इनकम कौन सी इनकम बनेगी प्रभु? यस, रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। हालांकि इनकम की डेफिनेशन आपको दी हुई है, इनकम की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर में सब कुछ कवर होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, डिविडेंड विच इज अक्रूड एंड कैपिटल गेन इज एन इनकम। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, ये लोन नहीं होता, लाइबिलिटी नहीं होती, कैपिटल नहीं होता, पर्सनल इफेक्ट नहीं होता, तो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो मिल रहा है किसको मिलता है? ट्रस्ट को मिलता है, मंदिर को मिलता है, जो डोनेशन होते हैं, ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपकी इनकम में पार्ट है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, जो परक्विजिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को, ये टैक्सेबल होते हैं सेक्शन 17 के अंदर में। एक्सपोर्ट इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक, मान लीजिए एक्सपोर्ट करने के ऊपर सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स देती है, दिस आर इनकम। विन इनकम ऑफ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, पार्टनर जो इनकम कमा रहा है फर्म से, ये इनकम मानी गई है बिकॉज वो वर्क करता है। लॉटरीज, डीम्ड डिविडेंड इज इनकम, डीम्ड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, बट डिविडेंड इज एन इनकम, डीम्ड डिविडेंड इज ऑल्सो इनकम। सम रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉय टूवर्ड वेलफेयर फंड, प्रोविडेंट फंड, मान लीजिए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से प्रोविडेंट फंड की कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई और उसने ये पे नहीं किया, तो इसे इनकम माना गया है। सो लेट से मैंने एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन और ये मैंने क्या नहीं किया, सरकार को पे नहीं किया, तो इसे मेरी इनकम माना गया है क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट बन गया। अमाउंट रिसीव्ड अंडर द कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, डिटेल डिस्कशन होगा पीजीबीपी के अंदर, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, बट याद रखें कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई अमाउंट मिली है टैक्सेबल। अमाउंट रिसीव्ड अंडर द अग्रीमेंट्स फॉर इंटेंजिबल, गुडविल सेल करके, प्रोफेशन सेल करके कोई अगर पैसा आया है, दिस इज एन इनकम। गिफ्ट इज ऑल्सो एन इनकम, जैसा कि मैंने कहा था आपको, गिफ्ट टैक्स अबॉलिश हो गया और गिफ्ट को इनकम टैक्स मिला लिया। सो अगर कोई गिफ्ट मिलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56, ये टैक्सेबल होगा। एडवांस रिसीव्ड अंडर द फेल्ड निगोसिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, ये क्या होता है? कई बार मान लीजिए मैंने एक अग्रीमेंट किया मेरी प्रॉपर्टी सेल करने का, और इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट में मुझे 5 लाख रुपीज का एक अमाउंट मिला। दिस 5 लाख रुपीज, उसने सामने वाले ने कहा कि मैं 3 महीने में रजिस्ट्री करवा लूंगा, वो रजिस्ट्री नहीं करवा पाया और मैंने ये 5 लाख रुपए क्या कर लिया, एडवांस मनी फॉरफिट कर लिया। नाउ टेल मी whether this forfeited amount is an income or not? Answer is yes, it is an income. Forfeited amount is an income. ये चीज हम लोग कैपिटल गेन के अंदर में पढ़ेंगे, सेक्शन 51 एक सेक्शन है, वहां पे ये चीज क्या की जाती है, कंसिडर की जाती है। पर्सनल पर्सन रिसीव्ड इनकम इन कनेक्शन विद अ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, अगर बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके मॉडिफिकेशन हुए टर्म्स और इसके अगेंस्ट में हमें कंपनसेशन मिला, लाइबल टू टैक्स। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्टेड इन टू कैपिटल असेट, ये पीजीपीपी में पढ़ेंगे, सेक्शन 28 के अंदर में आता है कि अगर कभी भी हमने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी
इंक्लूडिंग द रिजर्व्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन. तो जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व्स है अमलगमेटेड कंपनी के, इंक्लूडिंग रिजर्व्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, ये टोटल प्रॉफिट माना जाएगा इन केस ऑफ एन अमलगमेशन. अमलगमेशन टॉपिक आएगा वहां देखेंगे. 2019 का एक अमेंडमेंट है, गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आएगा. पर गिफ्ट जो एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को देता है, ये इनकम के डेफिनेशन में आएगा. हालांकि आप देख सकते हैं ये जो डेफिनेशन दी है 224 की, ये सीधे सीधे एग्जाम्पल दिए हैं, पर किसे इनकम मानना या नहीं मानना ये वर्क करता है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के मॉडल के ऊपर. और यही एक तरीका होता है जब एओ असेसमेंट करने के दौरान चेक करता है कि क्या इसे इनकम में लाना चाहिए या इसे इनकम में नहीं लाना चाहिए. और यही वो बेसिस होता है जो क्या करता है, डिसाइड करता है. सर हमने चार वर्ड पढ़ने थे, चार वर्ड थे सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961. आज पहला लेक्चर, और पहले लेक्चर के अंदर हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर में पढ़े सिर्फ चार वर्ड. व्हाट इज इनकम, इनकम को कैसे क्लासिफाई की जाती है, किस तरीके से इनकम होती है, और इनकम की डेफिनेशन जो 224 के अंदर में दी हुई है. दूसरा टैक्स, टैक्स के कितने प्रकार है, टैक्सेस और ड्यूटी क्या है. जब आप टैक्स बोलते हैं तो इसमें सरचार्ज और सेस भी आता है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक के चले गए हम लोग, आर्टिकल 271 तक के. फिर आए हम लोग एक्ट पे, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट बनने के पहले की हिस्ट्री क्या थी, एक्ट को कैसे पढ़ेंगे, एक्ट में क्या क्या कवर किया जाएगा, एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स पढ़ने होते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने होते हैं, सर्कुलर पढ़ने होते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ के आए. फिर हम पढ़ के आए 1961 का लॉ. 2020-21 में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट. तो हम अमेंडमेंट से निकले, बजट में गए, बजट से उसका फाइनेंस एक्ट एनालिसिस किया, आपको कौन सा एप्लीकेबल है वो देखा, प्लस अमेंडमेंट्स कैसे याद आते हैं तो वापस से पूरा देखते हैं. लॉ मेकर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंटर ने उसे इंप्लीमेंट किया, इंटरप्रिटर ने उसे इंटरप्रिट किया, तब जाके इन्हें समझ में आता है कि लॉ को फिर से चेंज करना है. तो जो लॉ मेकर है अगेन ये क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. कई बार रूल्स इंप्लीमेंट करने में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, यहां से ये वापस से लॉ के अंदर में क्या लेकर आते हैं, अमेंडमेंट लेकर के आते हैं. तो फिर कई बार टैक्स प्लानिंग पकड़ी जाती है, वहां से क्या आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं. सर टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, जनरली पार्लियामेंट के पास, और साथ साथ में किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है. तो आज हमने यहां तक का पूरा पार्ट पढ़ा. कल और भी चीजें पढ़ेंगे, कल बेसिक्स पढ़ेंगे और सारी चीजें करेंगे. आपका होमवर्क क्या है, आज आपको जितना पढ़ाया गया है इतना सारा पार्ट आपने पूरा का पूरा वापस से पढ़ के आना है, राइट. कल से क्या होगा, कल हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे, कल कैलकुलेटर लेकर के आना, क्योंकि कल टैक्स कैलकुलेशन वाले पार्ट आएंगे, तो कल आप लोग के पास कैलकुलेटर होना जरूरी है, और कल से होना जरूरी है. उम्मीद करता हूं पूरी कि आपको बहुत सारी चीजें नई मिली होगी, और रोज आपको कुछ नई चीजें मिलेगी. नहीं शायद पता चला होगा कि 3 साढ़े 3 घंटे कैसे निकल गए, और आपको ये कभी पता नहीं चलने वाला है. रूल याद रखिएगा, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. जब भी पढ़ो बहुत डिटेल में पढ़ो, और एंड तक के जाओ कि आया क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया. वी स्मार्ट एकेडमी बिलीव करती है बेस्ट देने पे, और आपको बेस्ट ही मिलेगा. याद रखे, अगर आप या आपके किसी भी दोस्त ये सोचते हैं कि इंटर का ही टैक्स है, या मैंने डीटी तो पढ़ा हुआ ही है, मुझे तो आता ही होगा, क्लास की क्या जरूरत है, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा. आप क्लास लेने का सोच रहे होंगे May 21, November 21, दिस इज द थिंग. रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है एंड यू कैन बाय इट. आज हम लोग यहीं रुकते हैं, मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर.